अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सरफराज करणी फ्रॉम बहरान हक। आज हमारे साहिना हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब की होस्ट जो डॉक्टर साहब प्रोग्राम करते हैं उनकी होस्ट मरियम, वो हमें ऑडियो पे ज्वाइन कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का, नाइस टू सी यू डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो मरियम। अच्छा, Likewise. आज का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कुछ औरतों के जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी हमने देखा है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, और मरियम के भी उसके बारे में उनको काफ़ी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साहब से, वो हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी, मैंने देखा कि आपने काफ़ी रिसर्च की है इस मौजू पे, खासतौर पर जो सूरह निसा की आयतें हैं 4:34, और उसके अलावा भी सूरह बकरा में भी कुछ आयतें हैं, उसको हम देखेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मरियम आप शुरू करें प्रोग्राम, और डॉक्टर साहब से जो आपके सवाल हैं वो प्लीज शुरू करें, बात करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं हिना, और आज मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में आई हूँ, तो आई होप के हम बहुत सारे सवालों को का जवाब ढूंढने में आज कामयाब हो जाएंगे। आज मेरा जो सवाल है वो डॉक्टर इकबाल से कुछ इस तरह से है कि मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालात को, असल में एक स्टोरी है मेरे पास जो कि मेरी एक फ्रेंड की है, मैं उनका नाम नहीं सही लूंगी, लेकिन लेट्स से उनका नाम हम नादिया कह लेते हैं, और उनकी एक स्टोरी है, और उस स्टोरी से मैं चाहूंगी कि उसमें से कुछ सवालात निकलेंगे, जाहिर है उसका जो है ना मैं डॉक्टर साहब जवाब दें। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं जी, नादिया है, नादिया मेरी एक दोस्त है, वो जब पैदा हुई, और तो जाहिर है वो बच्ची थी, उनको कोई इतने ज्यादा चीजों का तो नहीं मालूम था, सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें वो उस वक्त ये देख सकती थी, वो देखती थी कि उनके घर में बहुत एक मजहबी माहौल था, और वो ये देखती थी कि सब लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये सब चीजें तो उनके घर में होती नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज बचपन से ही ऑब्जर्व की कि नमाज जो थी ना, उन इमामत जो है वो हमेशा एक आदमी करवाता है, औरत नहीं करवाती। लेकिन वो चूंकि एक बहुत छोटी बच्ची थी, उन्होंने अपनी मदर से पूछा कई दफा, लेकिन उनको इस बात का जवाब नहीं मिला। यहाँ तक उन्होंने पढ़ा डिफरेंट चीजें, जब डिफरेंट मजहबी लिटरेचर को भी पढ़ा तो उधर से पता चला कि सारे जो नबी हैं वो भी मर्द होते हैं, कुछ इस तरह के सवालात उनके दिमाग में आते थे। खैर, वो बड़ी होना शुरू हुई इन्हीं सवालात के साथ, और जब वो बालिग हुई तो सबसे पहली चीज जो उनकी उनके सामने आई वो ये कि उनकी मदर ने उन्हें कहा कि आपने अपने आप को कवर करना है, और बेसिकली उनको दो तीन रीजंस दी गई, उसमें से एक रीजन ये थी कि इसकी वजह, एक तो पहली बात तो ये कि अल्लाह का हुक्म है। जब ये बहुत ज्यादा उन्होंने सवाल किए तो उनकी मदर ने कहा कि इसलिए कि मर्द को से अट्रैक्शन हो सकती है, जो कि उनके लिए मजीद, नादिया के दिमाग में इस बात ने मजीद एक खलबली मचाई कि इस बात का क्या मकसद है। बहरहाल वो जो थी वो बड़ी होती गई, जब वो जैसे मैंने आपको बताया वो बालिग हुई, उन्होंने देखा कि कुछ एक खास दिनों तक जो है उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। उन्होंने ये देखा कि वो थोड़ी जब बड़ी हुई हैं तो उनको अकेले सफर करने की इजाजत नहीं होती, उनके साथ एक महरम का, एक आदमी का होना जरूरी है। तो ये चीजें इस तरह चलती रही। उन्होंने थोड़ा सा और वो बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका जायदाद में आधा हिस्सा है, उनके जो दो भाई हैं उनको उनसे डबल हिस्सा मिलेगा, लेकिन उन्होंने दिल में सोचा कि ठीक है उन्हें कौन सा भी हिस्सा लेना है, तो उन्होंने इस बात को जाने दिया। 20 साल की वो हुई तो उनको उनके फादर ने उनकी शादी कहीं पर फिक्स कर दी, और वो शादी जो थी वो मतलब वली की इजाजत उसके अंदर ज्यादा जरूरी थी, उनकी अपनी जो एक जैसे कहते हैं ना कंसेंट, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना उनके वली का इम्पोर्टेंट था उनके लिए। तो ये मैं आपको सारी बातें पाकिस्तान में है नादिया उनके मुतालिक बता रही हूँ। तो बहरहाल उनकी शादी हो जाती है, और जब शादी होती है तो उनको उनके दिमाग में तमाम सवालात होते हैं, लेकिन वो किसी से पूछती नहीं। बहरहाल आगे चलता रहता है, और कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि वो अपने
ظاہر ان کو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلم بھی ہوتی ہے تھوڑی, اپنے ہسبینڈ کے گھر میں جا کے نیا ماحول ہوتا ہے. تو ایک دن وہ بہت تھکی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے ہسبینڈ ان کو کہتے ہیں کہ بریانی بنا دیں. میں اس کو مطلب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ رات کے ٹائم پر بریانی بنا دیں, لیکن وہ نہیں بنا پاتی اور کیونکہ وہ تھکی ہوتی ہیں. تو ان کے شوہر سے اس بات پر بہت لڑائی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو انکار کرنے والی عورت جہنمی ہوتی ہے, اور اس بات سے وہ بہت ہرٹ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہو, یہ ایک عورت کی مرضی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ہسبینڈ ان کو تھوڑا سا اس بات پہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, آپ کو مجھے انکار نہیں کر سکتی, اور اس بات پہ تھوڑی ان کی تھوڑی زیادہ ذرا ہو جاتی ہے. اور اس میں ان کے شوہر ان کو کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں جہنم میں عورتیں ہوں گی, یہ احادیث میں ہے, انہوں نے کچھ حدیث پڑھ کے سنائی اور اس پہ کہا کہ تم جیسی عورتیں جو ہیں ان کی وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی, اور تم جیسی خواتین ہی ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنے گی, مردوں کے جانے کا سبب بھی بنے گی. جو کہ ایک بہت ہرٹ کرتی ہے ان کو یہ بات, اور وہ اپنے شوہر سے تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف کرتی ہیں, اور اختلاف کرنے یہ اختلاف کچھ دن تک چلتا رہتا ہے, اور جب یہ اختلاف زیادہ دن تک چلتا ہے تو ان کے شوہر جو ہیں وہ ایک جو انہوں نے تفاسیر میں پڑھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تم باغی ہو رہی ہو, اور وہ ان کا بستر الگ کر دیتے ہیں. اور بیڈ الگ کرنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد بھی یہ بات چلتی رہتی ہے, اور اس کو وہ بات پٹائی پر آ جاتی ہے, اور وہ ان کی پٹائی کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حق جو ہے یہ اسلام نے دیا ہے کہ میں نوائی پٹائی کر سکوں, اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھینکتے ہیں, بہت سارے برتن توڑتے ہیں. تو وہ یہ نادیہ یہ بات دل مطلب ان سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کو اگر آپ کے مطابق قرآن نے آپ کو یہ اور اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ اگر عورت چیزیں پھینک رہی ہو یا عورت جو ہے تھوڑی سی باغی ہو رہی ہو تو اس کی پٹائی کریں, تو اگر مرد ایسا ہو رہا ہو جیسے کہ آپ چیزیں پھینک رہے ہیں تو کیا عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مرد کی پٹائی کرے. اس بات پہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے جھگڑا, اور وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلع لینی ہے. جب وہ خلع لینے کی بات کرتی ہیں تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ہم میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ جاب کرے, اس کو اجازت دی ہے کہ یہ جو مرضی کرے, یعنی اجازت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جس پہ نادیہ کو پھر اختلاف ہوتا ہے کہ اجازت ایک ایکول لیول کے ریلیشن میں اجازت نہیں ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ اس کو آگے لے کر چلتی ہیں. جب وہ عدالت تک جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسئلہ کس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت خلع لے سکے, جب تک آدمی ان کو طلاق نہیں دے گا وہ اس ریلیشن شپ سے باہر نہیں نکل سکتی. ان کو اس بات کا یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہیں کسی پنجرے میں قید ہو گئی ہیں. بہرحال بات آگے چلتی ہے, اور جب جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے شوہر ان کو ایک دن 3 طلاق دے دیتے ہیں, اور وہ طلاق ہو جاتی ہے ان کو. اور اس کے 4-5 دنوں کے بعد ان کے ہسبینڈ ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد رابطہ کرتے ہیں, ناٹ 4-5 تو وہ رابطہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی سے تمہیں میں نے طلاق دے دی, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو واپس لے لیں؟ اور واپس لینے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا حلالہ کریں. حلالہ سے یہ مراد ہے کہ تم کسی اور سے شادی کرو, اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں آؤ, اور اس کے بعد اس سے ڈیورس لے کے میرے ساتھ ریلیشن میں آؤ دوبارہ. جو کہ عورت کو مطلب نادیہ جو ہوتی ہے ان کو بہت برا لگتی ہے یہ بات کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی, یعنی کہ انہوں نے اس کو ڈیورس کر دیا اور اب اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے وہ کسی اور سے ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں. یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز, اس چیز کی سزا یا اس چیز کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ آدمی کو زیادہ بھگتنے چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کو ڈیورس کیا. بہرحال جب وہ تھوڑا سا اس بات پہ بحث کرتی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو یہاں پہ بھی اس دنیا میں بھی مجھ کو ٹھیک ہے, میں تو کوئی اور کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں, مجھے تو 4 کی بھی اجازت ہے, اور میں جب مروں گا میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے اس میں بھی 72 حوریں مل جائیں گی. تو وہ اس بات پہ تمہیں کیا ملے گا؟ تو ادھر نادیہ کا یہ کوشچن اس نے وہاں پہ پٹ کیا تھا کہ میں زندگی میں بھی
पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर भी मुझे बीइंग फीमेल, जहां पे मुझे इस्लाम को फॉलो करते हुए मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे पास राइट्स हैं, लेकिन मैं उसने पूरी अपनी जो स्टोरी बताई उसमें उसका कोई राइट नजर नहीं आ रहा मुझे। और फिर एंड पर उन्होंने कहा कि अब ये बताएंगे मरने के बाद भी उसको तो हूरे मिल जाएंगी, मुझे तो वो भी नहीं मिलेंगी। तो मैं तो जिंदा रहकर भी इसी तरह ही हूँ और मरकर भी इसी तरह ही हूँ। तो उसने कहा कि इस बात को डिस्कस किया जाए, तो मैंने सोचा कि अंकल से, डॉक्टर इकबाल से इस बात को डिस्कस करें। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसमें सवाल एक्चुअली में ये बनता है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि ख्वातीन को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हैं, तो ये नादिया की जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है उसमें जितने भी वाक़यात 30 साल की उम्र तक नादिया के साथ हुए हैं उसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें उसको राइट मिला हो। तो ये आप इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। गुड, बड़ी दुख भरी कहानी है नादिया की, बहुत और इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, है ना। आप बताइए, आप अमेरिका में रहती हैं, यहाँ क्या हालात हैं? या तो नादिया, तो पाकिस्तान में तो हम ये चीजें देख रहे हैं, बहुत आम होती हैं, आप यहाँ कैसे देखते हैं? जी, मेरी ऑब्जर्वेशन जी इस मामले, औरतों के मामले में तो रही है, यहाँ पे जो भी होती है उनको मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये नादिया जैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती। ये बड़ी हैरत की बात है, ये सिर्फ जो इस्लाम के अम्ब्रेला के अंदर जो खवातीन है तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है कि घरों में अंदर, लेकिन जैसे ही वो मामला बाहर आता है, जैसे कोई इश्यूज है तो कोर्ट में जाता है, ये स्टेट के अंदर फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब घरों में होते हैं ये मर्द हजरात तो वो मेजॉरिटी में कहूंगी कि वो यही समझते हैं कि वो सुपीरियर हैं, ये कवामून जो उसमें वर्ड भी रेफरेंस देते हैं, और वो हैं जो डिसीजन लेंगे अपनी बेगमात के बारे में, वो हैं जो सब उनकी परमिशन होगी तो वो करेंगी वरना नहीं करेंगी, और अगर थोड़ा सा अगर वो बोले भी तो वो फिर इस्लाम के खिलाफ, वो इस्लाम के खिलाफ जा रही है। ये चीज डॉक्टर साहब मैंने नोटिस की है, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल्स हैं उनका जो माहौल है अमेरिका में, जो घर के अंदर माहौल है, वो थिंकिंग रखते हैं वो अभी भी, लेकिन जब बाहर आते हैं जाहिर बात है वो तो फिर कोर्ट से डील करना पड़ता है, वो स्ट्राइक कर देते हैं ना, वो तो मानते नहीं इन सब चीजें, तो सबके इक्वल राइट्स होते हैं, लेकिन घर के अंदर जो सिचुएशन है ट्रेडिशनल्स की, जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल्स को, उनमें अभी भी ये चीज है अमेरिका में। तो आप फिजिकल वायलेंस देखते हैं यहाँ पर औरतों पर अमेरिका घर के अंदर की जो सिचुएशन है, जो ट्रेडिशनल्स हैं, या देखते हैं चाहे वो दुनिया की किसी कोने में भी हो वो ये। हाँ, बात को शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से, नादिया की कहानी में, और आपने कहा कि ट्रेडिशनल इस्लाम के जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं वो भी इसी चीज को यकीन करते हैं, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि इस किताब के जो तर्जुमे किए गए और बिगाड़े गए, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर ये तमाम खूबियां कह लें या खराबियां कह लें, खूबियां बीइंग अ मुस्लिम होने के और खराबियां बीइंग दूसरे माशरे जो हमें देखता है, वो इस वजह से हुआ कि हमने कुरान मजीद के तर्जुमे बिगाड़ दिए। मैं आपको, बल्कि मैं सामईन के लिए भी, मैं सिर्फ आयत का नंबर बताऊंगा और सूरत का नंबर बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस आयत में क्या ऐसी खराबी तर्जुमे में डाल दी गई है, टेक्स्ट में नहीं। मसलन आप देखिए कि सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में बताया गया कि नाबालिग बच्चियों से शादी करो, सूरह निसा की आयत नंबर 34 में बताया गया है बीवी को मारो, सूरह आजाद की 50 नंबर आयत में रसूल को हर किस्म के निकाह की छुट्टी दी गई, सूरह बकरा की 282 में कहा गया कि औरत की गवाही आधी है, दो औरतें एक मर्द के बराबर है, सूरह आजाबी की आयत 59 के अंदर कहा है कि जो औरतें पर्दे में उनको तंग नहीं करो बाकी कर सकते, सूरह बकरा की आयत 230 के अंदर जो मरियम ने सुनाई नादिया की कहानी में, उसमें हलाला मौजूद है,
سورہ بقرہ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 25 میں جو باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ بغیر نکاح کے انٹیمیسی کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 3 کے اندر ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سورہ مومنون کے اندر بیویاں اور کنیزیں دونوں ایک وقت میں، بیویاں 4 اور کنیزیں انگنت رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ تمام اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس ترجموں میں اس طرح موجود ہے کہ آج کا مسلمان اس کا اس جو ہے اس کے اندر بند ہو کر وہ اسی کو اللہ کا حکم سمجھ بیٹھا۔ نادیہ کی کہانی میں بہت ساری باتیں ہیں، مثلا اس کو جو ہے حدیث سنا سنا کے انفیریئر بتایا گیا، جہنمی بتایا گیا، لیکن نادیہ کی کہانی سے میں آج ایک آیت اٹھاؤں گا، اور وہ ہے عورت کو مارنا۔ جب نادیہ کو اس کے شوہر نے مارا تو ہم اس عورت اس آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے اس حکم کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ نے نادیہ کے شوہر کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ نادیہ پر ہاتھ اٹھائے۔ آئیں آئیں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ ہنا آپ جو ہے وہ آپ مریم، آپ کے سوالوں کا جواب ہم اللہ کی کتاب سے ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نادیہ سے آپ کہہ دیں کہ وہ میری یہ بات سنے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، ہنا اس کو ذرا اسکرین پہ لائیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ پہلا والا کس کا ہے؟ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ دیکھا سرفراز لکھتے جائیں، مرد قوام ہے اور اس کو فضیلت دی ہے۔ اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، لکھ لیں سرکشی، انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان کو علیحدہ کرو اور مارو، پھر اگر تمہاری متی ہو جائیں تو خام خا ان پر دست درازی کے لیے بہانے نہ تلاش کرو۔ اب یہ خام خا آ گیا، یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے اور بڑا بالا تر ہے۔ دوسرا ترجمہ، یہ فتح محمد جالندری، بڑا نام۔ مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ حاکم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جن نئی بیویاں ہیں، اب یہ بیویاں ہیں، وہاں عورتیں تھا یا بیویاں ہو گئی؟ ہاں وہاں پیچھے عورتیں تھا، مودودی صاحب نے جن عورتوں کا لکھا تھا، یہاں بیویاں لکھ دیا ہے۔ وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کے مال میں بریکٹ میں مال اور آبرو کی حفاظت خبرداری کرتی ہیں۔ جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکوشی اور بریکٹ میں ہے بدخوئی کہتے ہیں بد کلامی کو کرنے لگی، تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر بریکٹ میں اگر نہ سمجھے تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو انہیں زد و کوب کرو۔ واہ واہ، دیکھیے ذرا، زد و کوب یعنی ان کی دھنائی کرو۔ زد و کوب جو ہے اردو کا وہ لفظ ہے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں دھنائی کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں۔ ہاں نہیں، بیبیاں اور بیگمات میں فرق ہے کیا؟ دیکھیے آپ، یہ بیبیاں کر رہے ہیں، کوئی عورتیں کر رہا ہے، وہاں بیوی بھی نہیں لکھا تھا، وہاں عورتیں تھا۔ ہاں وہاں عورتیں تھا نا، یہاں بیبیاں، یہاں بیبیاں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہنا بیبی، مریم بیبی، ان کو زد و کوب کرو۔ اگر فرما بردار جو ہے تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، پہلے مار لو، اس کے بعد اگر وہ گڈ بیہیویئر پہ آ جائیں تو نیکسٹ ٹائم مت مارنا۔ اچھا، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ تیسرا، یہ ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا،
مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پر دی ہے، بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، جو نیک بیویاں ہیں، اب یہ بیویاں سے بیویاں ہو گئیں، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ سے حفاظت، اللہ کی حفاظت سے، وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، بس ان کو نصیحت کرو، ان کے بستروں میں تنہا چھوڑو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف بریکٹ میں خواہ مخواہ زیادتی کی راہ تلاش مت کرو۔ چلو چوتھا ترجمہ، یہ جوناگڑھی صاحب ہے شاید، جی، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم عدم موجودگی میں، لفظ خاوند تھا نہیں ہاں آیت میں، ہاں عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگاش نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی، شاباش، بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابے داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور برائی والا ہے۔ تو ایک جگہ عورتیں ہوا، ایک جگہ بیویاں ہوا، پھر ایک جگہ بیویاں بن گیا، پھر ایک جگہ جو ہے وہ مارو، ایک جگہ جو ہے زد و کوب کرو، اور یہ الفاظ پلٹ پلٹ کے پلٹ پلٹ کے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اس لیے آپ یہ کام کر سکتے، لیکن مارنے پہ تو سب متفق ہیں۔ جی مارنے پہ سب متفق۔ ہاں مریم ہے، سوال کر لیں۔ اچھا جی، میرا سوال، تین سوال ہے۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ، میرا یہ سوال ہے کہ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، یعنی کہ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہی کر کے، یعنی آپ جب پیدا ہوئے ہیں اس دن سے ہی آپ کے اوپر ایک بندے کو فضیلت حاصل ہے، یعنی آپ کی اپنی کوئی، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ نیچے تھے ویسے ہی، مطلب آپ کسی سے اور کوئی ایک بندہ اوپر تھا۔ سب سے پہلی بات میرا یہ سوال ہے کہ ایکویلٹی تو، ایکول تو کچھ بھی نہیں ہوا نا پھر یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ایکول نہیں پیدا کیا اس کا مطلب ہے، اور عدل والی بات مجھے پھر یہاں پر نظر نہیں آ رہی، جس کو ہم خدا کو کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، سو لیٹس ازیوم کہ عورت بھی کماتی ہے، اور یہ وہ والی سچویشن ہے جہاں پہ عورت نہیں کما رہی، لیکن اگر عورت کماتی ہے وہ اپنا مال خرچ کرتی ہے، تو کیا عورت آدمی پر فضیلت حاصل کرتی ہے ادھر، اور اس کو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو بس جو جیسے صالح مرد ہوگا وہ اطاعت شعار ہوگا، اس لیے کہ چونکہ عورت اپنا مرد خرچ اپنا مال خرچ کر رہی ہے تو پھر مرد کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی بھی پٹائی ہونی چاہیے، کیا یہ والی بات ہے۔ اور جو ہے نا تیسری بات جو اس کا مجھے بہت عجیب سا ایک لگ رہا ہے، اس میں یہ سب نے لکھا ہے جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اور دوبارہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس عورت کی نسبت تمہیں معلوم ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو اور ترجمے ان سب میں اندیشے کی ہی بات کی گئی ہے، تو ایک تھوڑا سا اور نیچے کیجیے گا، ہاں جی سرکشی کا اندیشہ ہو، یہ والا بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو فورتھ ہے ترجمہ اس کے اندر نہ اور تمہیں خوف ہو، بد دماغی کا تمہیں خوف ہو۔ تو میرا جی میرا سوال ایکچولی میں یہ ہے کہ ہم یہ کون ڈیٹرمن کرے گا کہ اندیشہ، میرا اندیشہ درست ہے، یعنی اگر آدمی کو اندیشہ ہے کہ وہ سرکشی کرے گی تو وہ اس کا بستر بھی الگ کرے اور اس کو مار بھی لگا دے، لیکن اس کے اندیشے کا جو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اندیشہ ٹھیک تھا، غلط بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس اندیشے کی بنا پہ آپ اس کو مار لگا دیں، تو یہ میرا تین سوال ہے۔ تھینک یو مریم، لیٹ می ایڈ سمتھنگ ڈاکٹر صاحب، جو میں نے خود وٹنس کیا ہے، لیٹ می ایڈ سمتھنگ ٹو مریم کوسچن۔ امریکہ میں بہت ساری فیملیز ہیں جہاں پر عورت کی پوزیشن زیادہ اچھی ہے فائنینشلی، دے لائک کارپوریٹ لیڈر ہیں، اور مرد حضرات کی اتنی اچھی نہیں ہے، سو دے آر ایکچولی میکنگ لاٹس آف منی، مور منی دین دیئر سپاؤز ہسبینڈ، سو وہاں پر یہ حاکم
कौन होगा, औरत होगी बीवी या मर्द होगा अकॉर्डिंग टू दीज आयत्स? आई मीन और फिर इसको इसको अगर हम ये देखें कि जैसे ये सरफराज साहब कह रहे हैं कि अगर औरत ज्यादा कमा रही है तो फिर ये क्या सारी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि फिर औरत हाकिम होकर फिर उसके बाद अगर उसको अंदेशा हो किसी बात का तो वो उसकी खाबगा अलग करे, और फिर वो अगर ठीक नहीं होता तो उसके ऊपर उसकी पिटाई कर दे, तो फिर तो ये इस बात की बिना पर तो ये ठीक हो जाना चाहिए। तर्जुमे से ऐसी लगता है जो ज्यादा कमा रहा है जी, ज्यादा औरत कमा रही है तो उसको हाकिम होना चाहिए जी। इसका जवाब चाहिए मर्द की नहीं। आपके बड़े तीन वैलिड क्वेश्चंस हैं मरियम और सरफराज ने उसमें जो ऐड किया कि ये एक आदमी डिसाइड कर रहा है, एक आदमी कमरे के अंदर बैठ के कि मेरी बीवी जो है सरकश हो गई है, अकेला आदमी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो उसका डिसीजन कितना सही है क्या है, अभी सिर्फ उसको अंदेशा ही हुआ है, अभी वो सरकशी दिखाई नहीं, उसने अंदेशा भी हुआ है तो वो फैसला कर रहा है और फिर वो ज़्यादा कोप कर रहा है। और आपने जो कहा कि अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए सरफराज, तो उसकी आयत है कुरान के अंदर बकरा के अंदर, इसी सूरह निसा के अंदर 128। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि वहाँ लफ्ज़ ना रिजाल है ना निसा है, वहाँ इमरात और बालहा है, यानी औरत और शौहर है, और वहाँ भी लफ्ज़ नशूज है, लेकिन वहाँ ये तर्जुमे ना इस किस्म के करते हैं, और वहाँ जो अल्लाह ताला का जो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं कि वहाँ जब औरत और शौहर के दरमियान एक नाचाकी होती है तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं सुलह सफाई करो, मैं आपको दिखाऊंगा वो आयत, सुलह सफाई करो, सुलह सफाई। चलें अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं मरियम, नादिया की इस बात को लेके आगे चलते हैं कि नादिया की पिटाई हुई और ये उसने उसके शौहर ने अल्लाह का हुक्म समझ के की। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है इसी सूरह निसा की आयत नंबर 82 में कि लवजतो फीह इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो तुम इसमें बेशुमार इख्तिलाफ पाते। अब लोग इसका तर्जुमा कर देते हैं कि इसमें तजाद, नहीं, तजाद का तो मतलब होता है कंट्रडिक्शन, तजाद को अरबी में तनाकुस कहते हैं, अल्लाह ने लफ्ज़ तनाकुस नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह ने लफ्ज इख्तिलाफ खलफा से इख्तिलाफ इस्तेमाल किया। इख्तिलाफ किसको कहते हैं? इख्तिलाफ डिफरेंस को कहते हैं, इख्तिलाफ वेरिएशन को कहते हैं, इख्तिलाफ कंट्रास्ट को कहते हैं। मैं आपको कंट्रास्ट की मिसाल देता हूँ, जब आप टीवी देखते हैं तो आप 60 कंट्रास्ट पे देख रहे होते हैं तो वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक होती है, आप उसका कंट्रास्ट 80 कर देते हैं तो बड़ी ब्राइट हो जाती है, राइट? फिल्म वही है, फिल्म वही है, सिर्फ उसका जो बैकग्राउंड था वो कंट्रास्ट आगे पीछे करने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं मेरी किताब में कंट्रास्ट भी नहीं है। कंट्रास्ट यानी आपको एक कम कंट्रास्ट और हाई कंट्रास्ट मिलेगा ही नहीं। अब आप देखते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला की अल्फाज खुद अल्लाह की जबानी कैसे पूरे होते हैं। क्विकली आप हिना में आपको आयतें बताता जाऊंगा, आप खोलती जाएं, मैं डॉक्टर साहब का ही तर्जुमा पढ़ता जाऊंगा और देखेंगे अल्लाह बज़बाने खुदा अपने आप अपने अपनी जबान से हमें क्या फरमा रहे। 4:35 खोलिए, सूरह निसा 35। अब देखिए मैं आयत पूरी नहीं पढ़ूंगा और इसको मैं सामीन से कहूंगा कि जाके बड़े तसल्ली के साथ अरबी में पढ़ें, डॉक्टर साहब का तर्जुमा खोलें। फ़ाइन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा से शुरू होती है आयत। अगर तुम लोगों को कहीं मियां और बीवी के ताल्लुकात के रिश्ते बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हुक्म मर्द के खानदान से, एक हाकिम और औरत के खानदान से, अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर दे। देखिए यह है अल्लाह का स्टैंडर्ड कि जरा सा भी तुमने देखा अंदेशा, यहां भी लफ्ज अंदेशा है, इफ्तिराक, इफ्तिराक एक दोनों में फर्क होने का, ठीक है, तो एक उधर से बुलाओ एक इधर से बुलाओ और इन दोनों के दरमियान सुलह की बात करो। एक आयत, इसी आयत को खोलिए 4:128। अब अल्लाह सुबहान ताला क्या फरमाए, अब यहां तो लफ्ज खुल के सामने आ गया इमरात और बालह,
इमरात कहते हैं औरत का, बाल कहते हैं शौहर को। अब बीवी और औरत और उसका शौहर, बात यहां पर आ गई। देखें डॉक्टर साहब का तर्जुमा देखें। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर किसी औरत को अंदेशा हो अपने शौहर से ज्यादती या बेरुखी का, तो उन दोनों पर कोई इल्जाम नहीं होगा कि वो आपस में सुलह करें। अब डंडा नहीं उठाना है और सुलह बहरहाल बेहतर है। देखा, दूसरी बार अल्लाह सुबहान ताला सुलह की बात कर रहे हैं। तीसरी आयत देखिए, अब ये है बकरा की 229। अब वो नादिया की कहानी के अंदर जब तलाक वाली बात आई थी तो अल्लाह सुबहान ताला का अल्फाज क्या है, जो नादिया को वो तलाक देने पे राजी नहीं था और कोर्ट में गई। तर्जुमा डॉक्टर साहब का देखें, तलाक दो मर्तबा है, या फिर मारूफ तरीके से रोक लेना या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना। नादिया के शौहर ने किया नहीं? किया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। खूबसूरती, आप देखिए डॉक्टर साहब के अल्फाज, ये खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब के अल्फाज। ना तो उन्होंने रोका, ना तो उसने रोका था उसके हस्बैंड ने, और ना ही खूबसूरती के साथ रुखसत किया, दोनों काम नहीं किया। आप देखिए अल्लाह ताला ये खुद अपने जाल में फंसते जाएंगे जो इन्होंने तर्जुमे किए हैं, और अल्लाह कहते हैं मेरी किताब में वेरिएशन भी नहीं मिलेगी। और देखिए ये आती है आयत 4:19, कितनी खूबसूरत आयत है। ए अहले ईमान, नादिया भी ईमान वाली थी, उसका शौहर भी ईमान वाला। ए अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों को जबरदस्ती वारिस विरासत में ले लो। दे आर नॉट योर कमोडिटीज, और ना ये जायज है कि तुम उन्हें रोके रखो ताकि तुम उनसे वापस ले लो जो कुछ उनका हिस्सा है। आहा, अल्लाह कहते हैं ये तो विरासत, तुम वारिस बन के बैठ गए औरत के, औरतों को वारिस बन के बैठ गए। एक तरफ अल्लाह ये फरमाते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं अमर तो हाकिम है, वारिस से भी बड़ी चीज बना दी, ये कैसे हो सकता है। हाँ देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब खोलिए जी, एक सेकंड प्लीज, आई एम सॉरी, ये एक क्वेश्चन है। फोर की जो 34 है वहां पिटाई की बात हो रही है, मरने का है, और 4:35 में कह रहे हैं मामला सॉल्व करो, तो पिटाई के बाद मामला सॉल्व करना है या पिटाई से पहले करना है, ये क्या है? उस पे आएंगे इंशाल्लाह, उस पे आएंगे, वो भी बात करेंगे। अच्छा अब एक आयत बहुत ही खूबसूरत, 30:21, अल्लाह कितनी खूबसूरत आयत है ये। अब देखिए अल्लाह के स्टैंडर्ड देखिए, यहां पे लफ्ज है अज़वाजन लितस्कनू इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन। अब ये मियां बीवी के रिश्ते के बारे में बात करके अल्लाह सुबहान ताला क्या करें, देखें डॉक्टर साहब और इसरार साहब इसका क्या तर्जुमा। उसकी निशानियों में से एक है कि उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी नौ में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। उसने तुम्हारे माबैन, मर्द और औरत के माबैन, मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। डंडा उठाना कौन सी मोहब्बत और कौन सी रहमत है? देखा, ये वही सुबहान ताला है जो एक तरफ मर्द और औरत के दरमियान रहमत और मोहब्बत का जज्बा बता रहे हैं, वही हुक्म दे रहे हैं डंडा उठाओ। इन सब में वेरिएशन देखा जा सकता है। एक और हम ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर सारे तर्जुमे में यही है आप, लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब का देखें तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारी नौ में से जोड़े पैदा किए, यानी ये तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां, मतलब ये कि इसमें यहाँ पे इक्वल लेवल पे होने की बात हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि तुम्हारे तुमसे किसी निचले लेवल की जो थी ना वो आ गई है तुम्हारे पास, तुम सेम लेवल के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत और सुकून हासिल कर रहे हो। राइट, अब एक आयत है हिना, ये है 66:10। अब इसमें देखते हैं कि अल्लाह के दो बरगजीदा बंदों ने ये काम तो बड़े शिद्दत से किया होगा। 66:10 में ज़रबल्लाहु मसल लज़ीना कफ़रू अमरात नूह व अमरात लूत, ये लूत की बीवी और नूह की बीवी। अब इनका तर्जुमा देखिए क्या है, खुदा ने मिसाल बयान किए काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की,
वो दोनों हमारे दो बहुत सवाले बंदों के अक्त में थी और उन्होंने उनसे खयानत की। अरे भाई ये तो सरकशी वरकशी से भी ज्यादा कोई चीज हो गई। आपको पता है लफ्ज खयानत औरत करती है तो वो लफ्ज कहां जाके बैठता है? तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आ सके और आखिरत में कह दिया गया कि तुम दोनों दाखिल हो जाओ आग में, तुम सब एक दूसरे के साथ दाखिल होने वालों के साथ। लू और नूत ने तो बड़ा डंडा उठाया होगा, बड़ा वाला डंडा, है ना जी, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत तो बदलती नहीं है। और फिर उसके बाद उनसे कहा यहां से निकल जाओ, तुम तो जहन्नुम में जा रही हो। ठीक है, इन तमाम आयतों को देखने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है कि अल्लाह सुबहान ताला, मैं कभी कभी पूछता हूं उनसे तन्हाई में, आपकी दो बातें हैं, ये तो आप दो बातें करते हो? नहीं, नहीं। आप तो दो बातें नहीं करते हो, ये हम जैसे लोग हैं जो आपकी बातों को दो बना देते हैं। बिल्कुल। अब लाइए फिर दोबारा वो सूरत, वो आयत 4:34, वहां से हम चलते हैं और उस आयत का एक एक लफ्ज को आज खोलेंगे। मरियम और हिना आप गौर से सुनना, आप दोनों के जो सवालात हैं उनका जवाब इन्हीं अल्फाजों में मिलने वाला है थोड़ी देर में। अर रिजाल, ये रिजाल नहीं है, इस पर अल लगा हुआ है, ठीक है ना, एक मखसूस बंदा है, कवामूना अलन्निसा। अब इसका इन्होंने तर्जुमा कर दिया अल रिजाल, एक मखसूस बंदे का तर्जुमा उन्होंने कर दिया मर्द, मैन। मैन तो भाई सभी है, तो फिर अल लगाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने यहां तो तर्जुमा किया है रिजाल का मर्द, क्या ये कुरान में कॉन्स्टेंटली इसका तर्जुमा मर्द करते हैं? मैं आपको दो आयतें और दिखाऊंगा जहां ये तर्जुमा मर्द नहीं करते। 24:37 खोले, 24:37 खोले, रिजालुन, ठीक है, यहां लफ्ज ही शुरू हो रहा है रिजालुन, नीचे तर्जुमा देख लो, लोग, पीपल, अरे भाई जवां मर्द, जवां मर्द, अरे भाई ये तो सिफ्त बना दी इन्होंने, मर्द से जवां मर्द बना दिया, और कुछ लोगों ने तर्जुमा कर दिया लोग, लोग, अच्छा तो इसका मतलब है कि मर्द जहां लफ्ज रिजाल आएगा उसमें लोग होते हैं, अच्छा लोग में तो फिर मर्द और औरतें दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, एक आयत और देख लेते हैं कि वो है, वो है 9:108, यहां भी लफ्ज रिजाल आएगा, अब देखते हैं उसका मर्द तर्जुमा किया है, फी है रिजालुन, ए नबी आप, हाँ आप इसमें से कभी खड़े ना हो, इसमें वो लोग, लोग जो पसंद करते हैं कि बहुत पाक रहे, अच्छा लोग में तो फिर मर्द और औरत दोनों आ गए, तो रजल का लफ्ज, मतलब इन्हें पता था कि इसका मानी लोग भी हैं और इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, और इन्होंने तर्जुमा किया, लेकिन अर रिजाल नहीं, नहीं अब ये तो सिर्फ मर्द है, और जवां मर्द कर दिया, मर्दे जवां, जिसको मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैनहुड, मैनहुड, वो तर्जुमा कर दिया। अच्छा लव्स वुमेन के अंदर भी मैन मौजूद है, आपको पता है लव्स वुमेन के अंदर भी मैन मौजूद है, सिर्फ डब्ल्यू ए अलग से लगा हुआ है। अच्छा रिजाल, मर्द और औरत दोनों है, ये कौन लोग है? अर रिजाल, ये वो लोग हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, ये वो लोग हैं जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, यूं कहूंगा ये बावसूख लोग हैं, ये थिंक टैंक हैं, ये वो लोग हैं जिन पर भरोसा किया जाए, रिलाइड अपॉन, ये वो लोग हैं जो रिजिड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है माशरे के, माशरे को खड़ा करने वाला एक ढांचा है अर रिजाल। ठीक है, अब लफ्ज पे आके कवामून, कवामा से बना है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मुझे है बिफोर यू गो, इसमें कुरान शरीफ में जो मर्द और औरत का जो लफ्ज यूज हुआ है उसका भी बता दीजिएगा, जो एक्चुअल, वेरी गुड, मर्द और औरत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रिजाल और निसा जो लफ्ज है ये बड़ा रिलेटिव लफ्ज है, बड़ा रिलेटिव है,
نساء اور رجال یہ مرد اور عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا as it is. اگر آپ کو مرد اور عورت کا لفظ دیکھنا ہے تو وہ قرآن میں لفظ ہے ذکرہ والانثیٰ. ہاں کلیئر کٹ لفظ بتاتا ہے ذکرہ والانثیٰ، ذکرہ مرد، انثیٰ عورت. بے شمار آیتیں ہیں جس کو آپ جا کے ذکرہ انثیٰ میں دیکھیے گا مرد اور عورت آئے گا. ویری گڈ کوسچن. اچھا اب دوسری چیز، دوسرا لفظ ہے قوامون، ٹھیک ہے، یہ قوام سے بنا ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے، اب میں اس کی گرامر میں نہیں جاؤں گا، ہنا، کیئر ٹیکر، کسٹوڈین، سپروائزر، نگران. قوامون ایک ناؤن ہے، ایک ناؤن ہے. اس کا متعلق کون ہے؟ اس کے بعد والا لفظ النساء. لیکن قوامون کو انہوں نے کیا کیا؟ قوامون زمخشری ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر، اس کا نام ہے کساف. کساف میں زمخشری لکھتے ہیں کہ قوامون کا مطلب ہے مسیطرین. مسیطرین کو عربی میں یا اردو میں داروغا یا حاکم کہتے ہیں. جلالین ایک اور تفسیر ہے، وہ دو جلال کے نام سے ہیں تو وہ جلالین کہلاتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قوامون کا مطلب ہے مسلطین، یعنی عورتوں پر مسلط، چڑھ کر بیٹھ جانے والے. جب اب دو تفسیروں نے عورت کو اوپر ایک چڑھ کر بیٹھ جانے والا حاکم داروغا بنا دیا، تو میری اور آپ کی مجال ہے کہ میں اور آپ اس لفظ کو الگ کریں. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تفسیریں پہلے لکھی گئیں، ترجمے بعد میں لکھے گئے. قوامون میں نے کہا سپروائزرز ہیں، نگران ہیں. اب لفظ آتے ہیں نساء. علی نساء جار مجرور، ٹھیک ہے. نساء کیسے بنتا ہے لفظ، یہ پھر کسی اور آرٹیکل میں میں لکھوں گا کہ یہ نسو سے بنتا ہے، یہ جمع الجمع ہے، بے شمار چیزیں. میں اس لفظ کو ایک معاشرتی طبقاتی پیراڈائم میں دیکھتا ہوں. یہ ایک اکنامک کلاس ہے، نساء ایک اکنامک کلاس ہے. جیسے رجال میں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ریجٹ سپورٹنگ سٹرکچر ہے، تو نساء معاشرے کا ایک اکنامک کلاس ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ لو پیپل ہیں، یہ ربل ہیں، کچرا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ انسگنیفیکینٹ ہیں یعنی کم حیثیت ہیں، یہ کمپلیٹلی فارگوٹن ہیں یعنی بھلا دیے گئے ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، رینڈر بیکورڈ، یہ کاؤنٹڈ فار نتھنگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے معاشرے میں، اور یہ حقیر بنا دیے گئے. نساء وہ لفظ ہے جو ایک معاشرے کے ایک کلاس کے لیے بولا جاتا ہے، جو ویک کلاس ہے اور جو کمزور طبقہ ہے، جسے عموماً ہم عوام الناس کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں. ہمارے معاشرے کے جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں وہ ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، کوئی خاطر میں نہیں لاتے. میں نے آپ سے کہا نا، میں اس آیت کو ایک بڑے کینوس پہ رکھ کے دیکھ رہا ہوں. میرا کینوس تھوڑا بڑا ہے، میں اس 80 گز کے مکان پہ رکھ کے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، وہاں بھی رکھیں گے آپ، لیکن ذرا اس کو بڑے کینوس پہ رکھیں پھر دیکھیں. اب کیا بنا کہ الرجال قوامون علی النساء. میرے پاس نساء کی اتنی آیتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جس میں یہ لفظ نساء جو ہے بھلا دیے گئے، یا معاشرے کے کمزور طبقے کے بارے میں قرآن اس لفظ کو بیان کرتا ہے. ایسا کریں کہ 2 کی 49 کھولیں، وہاں لفظ نساء کھل جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی کتاب میں کوئی جملہ لکھتے ہیں نا، تو وہ اپوزٹ ضد لاتے ہیں. جیسے حسنات سیئات، فلسلا تولا، ایک ہی جملے میں دو ضد آئیں گی. لیکن یہاں دیکھیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ.
अब देखिए दो लफ्ज आए अबनाउकुम और निसाउकुम। अब आप तर्जुमे देखिए, जरा याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी फिरौन की कौम से, वो तुम्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला किया हुआ था, तुम्हारे बेटों को जिबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। बेटे का ऑपोजिट औरतें होता है? नहीं होता है। अगर ये होता अल्लाह की तरफ से इस तरह से लिखा होता तो वो इसका तर्जुमा ये होता कि बेटे और बेटियां बेटों को जिंदा रखते और तुम्हारी बेटियों को मार देते, बेटियों को जिंदा रखते। लेकिन अल्लाह ने कहा अबनाउकुम व निसाउकुम। अब अबना ना बेटे है, निसा ना औरतें हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बन के आ रहे हैं। अबना बनू से बना हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड लोग होते हैं माशरे के, जो बड़े पोटेंशियल वाले लोग होते हैं। फिरौन क्या करता था, उसको डर था कि ये उसकी मुखालिफत पर उठेंगे, उन्हें जबा कर देता था। जबा कर देने से मुराद उनको हलाक करना, उनके साथ एक ज्यादती करना। उसकी ऑपोजिट आ रही है माशरे के अबना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड, उसकी ऑपोजिट आ रही है निसा। क्या बना? माशरे की वीक क्लास के लोग, वीक क्लास कमजोर लोग। उनको क्या करता था? उनको तो जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ाता था, भैया स्थायू ना, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी मुखालिफत में आ ही नहीं सकते। ये माशरे के दबे हुए पिसे हुए पसमानदा लोग हैं। खुल गया लफ्ज कि निसा का मतलब माशरे के पीछे रह जाने वाले लोग, कमजोर लोग, लेस पोटेंशियल लोग, और अपना वेरी पोटेंशियल लोग। डर उसको उससे ही था फिरौन को कि ये मेरे खिलाफ उठेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन लफ्ज हम इसको इस तरह से बोलेंगे, द डिस्टिंग्विश्ड आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर लेस पोटेंशियल वंस। माशरे के बावसूख लोग निगरान होते हैं उनके, जो माशरे में पीछे रह जाते हैं, जिनमें कम पोटेंशियल होती है, हाई पोटेंशियल के लोग उनको सुपरवाइज करते हैं, उनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। यही उसूल तर्ज जिंदगी है, यही सल्तनत का उसूल है, यही किसी काउंसिल का उसूल है, यही किसी पार्लियामेंट का उसूल है, यही किसी मुल्क के उसूल है। और मैं दूर कहां जाऊं, मरियम की मैं मिसाल देता हूं। मरियम आपको याद है जब आप टेस्मेनिया आई थी और आप पीएचडी के लिए जब आपने अप्लाई किया था तो आपका जो इंटरव्यू हुआ था, आपने मुझे आके बताया था कि अंकल वो एक वाइस चांसलर और 6 एकेडमिक काउंसिल के मेंबर बैठे हुए थे जिसमें से 2 औरतें थीं। जी याद है आपको? जी। और उन्होंने आपको जो है कितनी अच्छी तरीके से वेलकम किया, आपका इंटरव्यू लिया। आप उस वक्त सिर्फ एक छोटा सा मास्टर्स लेके आई थी और आपके सामने जो बैठे हुए थे वो 2-2 और 3-3 पीएचडी के हुए लोग बैठे हुए। जी, है ना, कितने हाईली क्वालिफाइड एचओडीज थे वो, एचओडीज थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, और अपनी अपनी जगह पर एक नाम था उनका। और कितने प्यार के साथ, कितने अच्छे के साथ आप एक लेस पोटेंशियल की खातून, एक स्टूडेंट, उनको उन्होंने कैसे ट्रीट किया, कैसे आपको सुपरवाइज किया होगा। 4 साल क्या किया आप बताइए मुझे। उस सूरत में मैं निसा थी और वो रिजाल थे। ठीक है, वो रिजाल थे, वो हाई पोटेंशियल लोग थे, वो माशरे का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर थे, और आप एक कमजोर मास्टर की भी लड़की अभी जिसमें पोटेंशियल ही नहीं है। कैसे उन्होंने आपको सुपरवाइज किया, कैसे वो आपके कस्टोडियन बने, कैसे वो आपके निगरान बने। मैं अपनी मिसाल देता हूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया आज से 15 साल पहले तो मैं आईएमजी था, मैं पाकिस्तान से ग्रेजुएट था, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारी ट्रेनिंग में 3 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर जॉन, डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर एनिट टॉमकिंसन। एक खातून थी, क्या बेहतरीन खातून थी, क्या ट्रेनिंग की। वो रिजाल थे, हम निसा थे, हमारी पोटेंशियल को उन्होंने ऑगमेंट किया और हमें इस काबिल कर दिया कि हम उस माशरे में जाके उनके लेवल पर उनकी तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सके। मुझे वो रिजाल और निसा वहां समझ में आ रहा था कि मैं निसा हूं, मुझ में वीकनेसेस हैं, ये मेरी वीकनेसेस को दूर कर रहे हैं, ये रिजाल है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो एग्जांपल दिए आपने, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिजाल थे,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपसे हाथ जोड़कर एक साहब का नाम लिए बगैर मैं उनका एक जुमला आपको सुनाता हूं. किसी साहब ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि ये अर-रिजाल जो है मर्द हैं, ये औरतों पर हाकिम है, तो उनका जवाब सुने. वो कहते हैं, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं औरतों को हाकिम बना दूं, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं औरतों को हाकिम बना दूं, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह ने फितवा जो है वो मर्द के हक में दे दिया है. मतलब ये कि वो अल्लाह के की बात के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन लेकिन उनका दिल हाँ जी, उनका दिल तो यही करता है कि औरतों को बना दे, लेकिन उनको मजबूरी है. इसका मतलब है कि उनका दिल नहीं मान रहा. लेकिन फितवा अल्लाह ने मर्द के हक में दिया, और उलमा यही कहते हैं, उलमा यही कहते हैं. ये आप मुझसे ना पूछें, ये तो अल्लाह से पूछें. अब आप बड़े अच्छे एक्सक्यूज है. कैसे खुद अपने आराम से पतली गली से निकल गए और अल्लाह पे बात डाल गया कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, ये फितवा क्यों दिया मर्द के आप, ये तो अल्लाह से पूछें. अब हिना और मरियम जी, इस औरत में मर्द और औरत निकल गए जी, ठीक है. आपका एक अंदेशा जो था, एक क्वेश्चनर नादिया का, वो जो एक एक सिनेरियो में था कि वो औरत थी और वो शौहर उसका मर्द था, इस आयत में तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मर्द बैठ के हाकिम बना हुआ है. मैं तो कहता हूँ माशरे के जो बावसूख लोग हैं वो माशरे के कमजोर लोगों की देखभाल करने वाले. लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इसको छोटे लेवल पे आप कह रहे थे कि अप्लाई हो सकती है, तो फिर वो किस तरह से होगी? मैं अगर मेरे में पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं रिजाल, और अगर औरत में पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिजाल. रिजाल में तो मर्द और औरत दोनों है ना. वो जो एग्जाम्पल दी डॉक्टर साहब ने, उनके जो इंटरव्यू हुआ था बोर्ड में, तो वो उनकी उनमें फीमेल भी थी ना. लेकिन अगर घर के में देखा जाए तो कोई भी हो सकता है. घर में अगर भी हो सकता है, बीवी भी अगर बीवी हार्ड ब्रेड अर्नर है, अगर अकॉर्डिंग टू तर्जुमा तो वो तो रिजाल को आपने जब सिर्फ मर्द कर दिया, आपने हाई पोटेंशियल लफ्ज ही हटा दिया. मैं कहता हूँ औरत की पोटेंशियल ज्यादा है वो रिजाल, और मेरी पोटेंशियल कम है. मैं कम तालीम याफ्ता हूं, मेरे पास कुछ वीकनेसेस हैं, मैं निसा. क्या शर्म की बात है. और इसके अंदर जो कवाम है उससे मुराद सुपरवाइज करना है ना, ऐसे ही है ना. एग्जैक्टली हाँ जी, सुपरवाइज मतलब हाकिम होना. हाँ, हाकिम नहीं होना नहीं है. हाकिम होना तो है ही नहीं है कहीं पर भी. मैंने तो कहा था केयर टेकर, केयर टेकर औरत भी केयर टेकर हो सकती है, मर्द भी हो सकता है. वो तर्जुमे में कर दिया उन्होंने हाकिम जी. अब यहाँ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे उन सामईन से जो सुन रहे हैं, उनको यहां तक अगर वो तर्जुमे से मेरे एग्री नहीं करते हैं कि ये और मर्द और औरत नहीं, तो वो एक काम प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बंद करें और कुछ और चीज जाकर देखें, क्योंकि उनको अब जो मैं बात बताऊंगा वो उस सिनेरियो में नहीं होगी जो उन्होंने मर्द और औरत के सिनेरियो में सुनी थी. बात ही चेंज हो गई, रिजाल मर्द नहीं है, निसा औरत नहीं है, अब बात ही कुछ और होगी. तो ऐसा होगा कि उन्हें बड़ा अजीब सा लगेगा मेरा तर्जुमा, या उनको एक कोफ्त सी होगी, और वो आखिर में फिर मेरे बारे में बदगुमानी करेंगे या मुझे किसी लकब से पुकारेंगे. तो बेहतर ये होगा कि वो इसी वक्त इसको बंद करें और किसी और चीज से अपने आप को महसूस करें, और अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा है, अल्लाह सुबहान ताला की बात ऐसे हो सकती है या है, तो फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है जी, ठीक है. आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं. वह बेमा, बेमा जार मजरूर है, बिकॉज, बेमा का मतलब होता है बिकॉज. फद्दला ये बाबे इफ़ाल से, बाबे बाब फ़ाला से चला गया, ज़ुआब दो दफा आ रहा है, फ़ाला ये एक वर्ब है और इसका फाइल अल्लाह है, फेल
है फजल एक फर्ब फेल है, इसके फाइल अल्लाह है। अब फजल का इन्होंने तर्जुमा क्या करना है, बड़ा फजल है जी अल्लाह का मुझ पर, बड़ा फजल है। हम इसको किन मानों में लेते हैं, अरे भाई बड़ा पैसा है, बड़ी दौलत है, हाजा मिन फजले रब्बी, हमने तो यही समझा हुआ है ना फजल। हालांकि फजल सिर्फ इसको नहीं कहते, देखिए मैं आपको आपको तर्जुमा करके दिखाता हूं। फद्दलल फद्दला लाहो बिकॉज अल्लाह हैज गिवन हिम एन एक्सीलेंस, अल्लाह ने उसे एक ये कमाल अता किया है। फजल अल्लाह का अता किया हुआ कोई कमाल है, कोई एक्सीलेंस है जो उसने हमें अता किया। मैंने वर्ड एक्सीलेंस बोला, मैंने अथॉरिटी नहीं बोला है, नहीं बात। अल्लाह ने उसे कुछ सलाहियतें दी हैं जिसे वो बेहतर अंदाज से कर सकता है। अब दूसरा लफ्ज है अलाबाद, अलाबाद ये फिर जार मजरूर। अब इसका मुताल्लिक कौन है, इसका मुताल्लिक इन्होंने बता दिया निसा है। अरे नहीं भाई, इसका मुताल्लिक फद्दला है, इसका मुताल्लिक तो फद्दला है, निसा नहीं है। मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा ओवर अदर्स। फद्दला का मैंने तर्जुमा किया था क्वालिटी, उसमें एक क्वालिटी है जिसमें वो एक्सेल कर रहा है जो उसे अल्लाह ने दिए ओवर अदर क्वालिटीज। उसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन एक क्वालिटी में वो एक्सेल कर रहा है बिकॉज अल्लाह हैज गिवन हिम एक्सीलेंस डिस्टिंग्विशिंग हिम फ्रॉम अदर क्वालिटीज। मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक क्वालिटी में मैं एक्सेल कर सकता हूं। यह बात किसी पर भी फिट की जा सकती है। अल्लाह ने जो उसे सलाहियतें दी हैं उनमें से एक सलाहियत पर उसे कमाल हासिल है। ये अलाबाद जो है निसा पे जाके नहीं बैठेगा, ये अलाबाद का मुतालिक फदल है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। वबेमा अनफकु, बेमा फिर आ गया बिकॉज, अनफकु नफका से, नफका के माने हमारे यहां होता है स्पेंड करना, किसी चीज को खर्च करना, लेकिन नफका के बहुत सारे मानी जिसमें से एक मानी है डिस्पेंस करना, डिसबर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। अब एक एक लफ्ज को याद करते जाएं, मैं जो बोलता जा रहा हूं आगे चलते हैं। मीन अमवालहिम, अब ये माल है, माल की भी जमा, माल इटसेल्फ जमा होता है, माल की भी जमा, ठीक है। अब ये माल और हिम की इसमें जमीर। अब लफ्ज अगर आप माल को तोड़ें, ये मीम अलिफ मा लाम, मा का मतलब होता है व्हाट और लाम का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, व्हाट एवर बिलोंग टू देम, इसी को माल कहते हैं। उर्दू में माल किसको कहते हैं, जो मेरा होता है, जो मेरा होता है। मैं कहूं माली, अरबी में कहूं माली, व्हाट एवर बिलोंग्स टू मी। अब देखिए मैं तर्जुमा करता हूं वो बीमा से, बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पर्स इट व्हाट एवर बिलोंग्स टू देम, जो कुछ उनका है सिर्फ उनका है उसे वो तकसीम कर रहे हैं। मेरे पास जो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर एनिट टेमकिंसन, शी वॉज वेरी गुड इन पीडियाटिक्स एंड गायनी, और उसने हमारी गायनी और पीडियाटिक्स में जो हमारी ट्रेनिंग की है, शी गेव अस एवरीथिंग व्हिच शी हैड, यानी नॉलेज। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेल्थ या मनी। देखिए ना, माशरे में एक हैसियत वाला इंसान जरूरी है कि वो वेल्थी भी हो, जरूरी है। एक माशरे का पीएचडी, एक वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जरूरी है कि उसके पास फरारे हो? नहीं। तो ये अमवाल को हम माल वो नहीं लेंगे, मनी? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मनी के सेंस में आ सकता है, मनी के सेंस में आ सकता है, लेकिन हमने तो ये कहा ना कि व्हाट एवर बिलोंग्स टू हिम, पैसा है तो पैसा दे दिया, एजुकेशन है तो एजुकेशन दे दी, टाइम है तो टाइम दे दिया,
क्योंकि फजीलत भी उसके पास किसी चीज में ज्यादा है, उसके पास फजल एक चीज में वो एक्सेल कर रहा है ना, एक चीज में वो एक्सेल करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा, वो बिना मुआवजा के आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब आता है अगला हिस्सा, फसालेहात। ये फा जो है रिजम्पशन पार्टिकल है, देन सो इसका तर्जुमा होगा सो सालेहातो। अब ये इसका तर्जुमा हमारे यहां जो कर दिया गया, नेक बीबियां। अभी आपने सबने पढ़ा था नेक बीबियां, नेक बीबियां। मुझे तो सबसे पहले आप ऐसा करें हिना और सरफराज और मरियम, मुझे लफ्ज नेक की डेफिनेशन बताएं। बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी थी। नेक किसको बोलेंगे? मैं डिफाइन करें कि भाई फला 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 काम कर रहा है, ये नेक है। हर एक की डेफिनेशन फर्क होगी नेक की। देखिए कितना वेग अल्फाज इन्होंने तर्जुमा किया। वैसे मैं आपको बताऊं, नेक और मुनीक लफ्ज जो है ना, ये अरबी में बहुत गंदे अल्फाजों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाँ हाँ, किसी को नेक नहीं बोलता, मुनीक। अच्छा, हाँ हाँ, वही है ना, नेक की क्या किस कॉन्टेक्स्ट में नेक बोल रहा है। हमारे उर्दू में तो बहुत अच्छे मानों में आता है, अरबी में ये अच्छे मानों में नहीं आता है। अच्छा, हाँ हाँ, नेकी, ये तो उर्दू में ना, नेकी नेकी, हमने उसकी उसकी एडजेक्टिव बना दी हमने उर्दू में। नेक कहते हैं या सालेहात कहते हैं एक ड्यूटीफुल इंसान को, फर्श शनाश आदमी को, बड़ा वर्चुअस इंसान को, ऐसा इंसान जो बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स वाला होता है, आला अखलाक का मयार का। ये एक स्टूडेंट मरियम जब वहां पर पहुंची थी, क्या उन्होंने इसका कैरेक्टर नहीं देखा था? क्या इसकी पुलिस सर्टिफिकेट नहीं देखी थी? क्या ये नहीं देखा था कि मरियम किस किस कॉलेज से किस किस बिना पर निकाली गई? देखा था, हद तक पुलिस सर्टिफिकेट भी देखा था कि भाई शो करो कि तुम किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो। तुम्हारा इखलाकी मयार क्या है? ठीक है, अब सालेहात की दो सिफतें आ रही हैं, इसकी खबर बन के दो लफ्ज हैं, कानितातुन हाफिजातुन। ये लफ्ज सालेहात की खबर है। कानितातुन, कनत कहते हैं डिवोटेड को, अपने आप को वक्फ कर देने को, सबमिसिव को, कि मैं जी अब यूनिवर्सिटी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करूंगा, एक्सेटर मेडिकल सेंटर के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं ओबे करूंगा, मैं साइन करता हूं, मैं कानित हो गया। अब ये ता जो लगी है, ये इन्होंने चूंकि समझ ली कि ये ताए तानीस है, हालांकि ये ता प्लुरैलिटी के लिए भी बोली जाती है, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो लफ्ज ता पे खत्म होता है। हाफिजातुन, हाफिजात का मतलब होता है अपने आप को नुकसान से बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, गार्ड करने वाला। चलें अब इस आयत को तर्जुमा देखते हैं। सो दोज हु हैव हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, डिवोटेड एंड कीपिंग देमसेल्फ सेफ। मैं इसको रिफ्रेस करता हूं, सो दोज हु आर डिवोटेड एंड कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम हार्म फ्रॉम अमंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो अपने आप को वफ कर देते हैं, अपने आप को नुकसान से बचाते हैं, उनमें से जो आला अखलाकी मयारात वाले हैं, आला अखलाकी मयार वाले हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं और डिवोटेड हैं, अपने काम को पर वक्फ कर देते हैं अपने आप को। अब नेक्स्ट वर्ड आता है लिल गैब। ताज्जुब की बात है, ये लाम का तर्जुमा कोई भी नहीं करता है, ये लामे जर लिल गैबे, लाम का तर्जुमा होता है लिए, मैं कहता हूं लिल मुत्तकीन। क्या बनेगा सरफराज? मुत्तकीन के लिए। मैं कहता हूं लिल काफिरीन। मैं कहता हूं इजा नूदिया लिस सलात,
सलात के लिए, यहां लाम का तर्जुमा कोई करता ही नहीं। लाम का तर्जुमा होता है फॉर, इज़ा नूदिया लिस सलात व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर सलात, कोई करता ही नहीं। नहीं किया, मैं देख नहीं, नहीं।, नहीं। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको सिनेरियो कुछ और बनाना था, और मैं जो सिनेरियो बना रहा हूं उसमें अब लाम आएगा। ठीक है, वो तो बहुत दूर की कौड़ी लाए, गैब की, गैब का चक्कर, गैब का चक्कर देखे ना कैसे कर दिया। अच्छा, गैब से एक लफ्ज बनता है, चले मैं गैब लफ्ज को अब चाहे तो हम डिक्शनरी खोल के दिखा दूं, मैं इनको अलमानी खोले और इनको मैं गैब दिखाऊं। ठीक है, गैब के मानी दे रहा है, ये गैब के मानी दे रहा है, डिवाइन सीक्रेट। यहां देखिए तीसरे नंबर पर गैब बता रहा है, फ्रीक्वेंट एब्सेंस विदाउट गुड रीजन। जी, किसी चीज से वो गैर हाजिर हो रहा है बगैर किसी वजह के, नॉन अटेंडेंस, एब्सेंस, स्टेइंग अवे, दूर हो गया। गैब का तर्जुमा हुआ फ्रीक्वेंट एब्सेंस विदाउट गुड रीजन, बगैर किसी वजह के वो गैर मुतवज्जा हो रहा है। फॉर, फॉर दे आर, दे डोंट पे अटेंशन विदाउट रीजन। मैंने लाम का भी तर्जुमा कर दिया और गैब का भी कर दिया, इसलिए इसलिए कि वो तवज्जा नहीं दे रहा है और उसके तवज्जो ना देने की कोई वजह भी मालूम नहीं हो रही है। ठीक है, ये है लिल गैब। अब आगे बढ़ते हैं आयत में, लिल गैब के बाद क्या कहा जा रहा है, बिमा हफिजल्लाह हो, वॉट एवर अल्लाह हैज टोल्ड देम फॉर सेफ कीपिंग, फॉर प्रिजर्विंग, फॉर अपहोल्डिंग, जिस चीज का अल्लाह ने उसे बताया कि इन चीजों की हिफाजत करो। अब मैं यहां से थोड़ा सा पीछे जाता हूं, देखिए ये सालेहात हैं, आला मयार वाले लोग हैं, ये कानितात हैं, इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है, ये हाफिजात हैं, ये अपने आप को तमाम चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इनको इन्होंने जो कुछ अल्लाह ने बताया था इनको प्रोटेक्ट करने को वो भी कर रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये वक्फ किया हुआ है। लेकिन सडनली क्या हुआ, सडनली ये हुआ कि इनकी तवज्जो किसी बात से हट गई, ये अनअटेंटिव हो गए हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट हैं, अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये अच्छे लोग हैं, सालेहात हैं, कानितात हैं, हाफिजात हैं, लेकिन अब सडनली कुछ हुआ इनके साथ और इन्होंने अपनी तवज्जो हटा दी उन बातों से कि जिन्हें इन्हें तवज्जो देनी थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वल्लाती, ये कंडीशनल पार्टिकल होता है, मशरूती लफ्ज, इसको हम तर्जुमा करते हैं, एंड फ्रॉम दोज, उनमें से। अब ये जो सवाले लोग, कानितात, हाफिजात, ये एब्सेंट हुए, इनमें से, इनमें से तखाफूना, तखाफूना खौफ से बना हुआ है, पता नहीं हमारे यहाँ तर्जुमे जो है खौफ के वो ऐसा है जैसे भूत से डराना, जैसे शेर से डरना, है ना, ये खौफ। लेकिन खौफ के मानी सिर्फ डर नहीं होते, खौफ के माने होते हैं अनइजीनेस, बेचैनी, एंग्जाइटी, परेशानी, एस्टॉनिशमेंट, हैरत। तुम्हें उनके बारे में कोई बेचैनी है, वल्लाती तखाफूना, तुम्हें उनके बारे में कोई परेशानी है, तुम्हें उनके बारे में हैरत हो रही है, अरे ये तो कल तक इतने अच्छे बच्चे थे, सालेहात थे, कानितात थे, हाफिजात थे, सडनली ये क्लास में नहीं आ रहा है, सडनली इसका काम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सडनली ये माशरे के लोग जो है ये अपनी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अब मैं हैरत कर रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, वल्लाती तखाफूना, मैं इनके बारे में अब मुझे कोई परेशानी शुरू हो गई है। अब परेशानी किस चीज की है तुम्हें,
ये तीन लफ्ज आएंगे, देखते जाइए। किस में परेशानी है तुमको? नशूज हुन्ना, उनके नशूज में। अब लोग मुझसे कहेंगे कि ये हुन्ना जो है ये फेमिनिन की जमीर है, तो भाई जब जमात की बात हो रही है, जमात तो प्लूरल होती है और हमेशा जमात वो फेमिनिन होती है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है जी। ठीक है, अब इन्होंने तर्जुमा किया है डिसओबीडियंस, नाफरमानी, सरकशी, बददिमागी, बदखोई। याद आया सरफराज वो अल्फाज? जी जी। इसका मादा है नशाजा, नशाजा। मैं आपको हैरत होगी, आपको मैं कुरान की एक आयत दिखाऊंगा। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं 58 की 11 में, अनशेजू अनशेजू, वहां भी फेले अमरे, एलिवेट हो जाओ, उठ खड़े हो, इसी मादे से बना हुआ है एलिवेट। नशाजा के माने एलिवेट, जब ये अनशेजा पे चला गया, लेकिन जब ये फाउल के वजन पर गया नशूज, तो हम बताएंगे अभी। मैं आप फिर आपसे अलमानी खुलवाऊंगा और मैं नशूज दिखलाऊंगा लोग। एक साहब क्या फरमाते हैं नशूज के बारे में कि नशूज क्या है? ये अमेरिका में अंग्रेजी में लेक्चर लेते हैं, मैं आपको इंग्लिश के इनके जुमले बताता हूं। ये कहते हैं अपनी इस आयत की तफसीर में, यू नो गाइस, नशूज इज अ क्रेजी स्टफ, wife has become psycho, she is throwing knives and forks on you, she is breaking plates, she is cutting herself, she has become crazy, you know nashuz is unusual rebellion, she is out of control, she has become cuckoo. Is main uncle isme kuch add karna chahungi doctor sahab ke ye main puchna chahungi ke agar koi प्लेट्स फेंक रही है कोई औरत या चीजें तोड़ रही है, तो उसको हमें उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है या उसका बिस्तर अलग करके उसको मजीद मेंटल टॉर्चर देने की जरूरत है या उसकी पिटाई करने की जरूरत है? और दूसरी एक और बात ये तो है जी, और एक और ये बात भी है कि क्या ये नशूज, यही वाला जो नशूज जिसकी हम बात, मतलब हमने जो तर्जमा पढ़ा है, ये क्या ये मर्द हजरात में नहीं हो सकता? वो चीजें नहीं फेंक सकते? और उस सूरत हाल में उनका उनके ऊपर क्या चीज होती है? उनके ऊपर मतलब उनका भी फिर उनकी भी पिटाई होनी चाहिए? नहीं नहीं, मर्द कुकू हो ही नहीं सकता, ये तो औरत है, कुकू होती है। ये भाई मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो बजाय इसके कि हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, उसकी काउंसलिंग करवाएं, हम उसको मजीद मेंटल टॉर्चर देंगे और साथ में उसको मेंटल टॉर्चर भी देंगे और फिजिकल टॉर्चर भी देंगे, उसकी पिटाई भी करेंगे, उसका बिस्तर भी अलग करेंगे। अब देखिए नशूज को इन्होंने कहां ले जाके फिट किया। नशूज का मतलब है नाफरमानी, सरकशी, बददिमागी, बदखोई, पागलपना, क्रेजी स्टफ, साइको, कुकू। लेकिन ये डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारी चीजों का ब्लेम जो है औरत को दे दिया। हाँ, ये बड़े सबसे बड़ी आई थिंक ट्रबलिंग थिंग है हमारे समाज में, बहुत ट्रबलिंग है। और खास तौर पे मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुन रही हैं, एग्जैक्टली क्या महसूस कर रही होंगी वो लोग, ये बड़ा दुख, क्या महसूस कर रही है, बड़ा दुख होता है। और इस वजह से इस आयत को जो इन्होंने किया है ना इस तरह से, कितनी देखें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है हमारे समाज में, जो ट्रेडिशनल है खास तौर पे, वो बच्चियां सुन रही हैं, वो क्या सोच रही हैं कि अच्छा औरत कुकू, औरत क्रेजी स्टफ, अपने बारे में बेचारी वो क्या कि अल्लाह ये बोल रहा है हमारे बारे में। वो जात जिसने दोनों को पैदा किया, खलककुम मिन नफ्सुन वाहिदा, या जिन साहब ने ये किया अमेरिका में, आई थिंक उनसे क्वेश्चन करना चाहिए था किसी को कि भाई ये चीज मर्द में क्यों नहीं अप्लाई हो रही। फिर वो भी शायद यही कहते कि अब अल्लाह से पूछे ना हम क्या कर सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, फितवा अल्लाह ने फितवा दे दिया था। अब आप हिना नशूज खोलिए अलमानी में, अब देखिए नशूज के माने क्या आ रहे हैं। इनकॉन्ग्रुइनिटी, इनहार्मोनी, लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन साउंड्स, लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन म्यूजिक साउंड्स, ठीक है।
अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स दैट आर नॉट इन हार्मोनी. सुर खराब हो गया, सुर टूट गया, सुर बिगड़ गया. सरफराज मैं बहुत बेसुरा होके गाऊं, गाना कैसे होगा? सही बात, नहीं हो सकता. नहीं हो सकता ना. बेसुरा. अब ये क्या फरमा रहे हैं अल्लाह? तुम्हें इस बात की बेचैनी है कि इनकी हारमोनी नहीं है, ये हम आंग नहीं है, इनके परफॉर्मेंस क्या हो गया? ये वीक पोटेंशियल के लोग जो थे, दे आर नॉट इन हारमोनी, इनका म्यूजिकल साउंड खराब हो रहा है भाई. ये प्लान्स के साथ अटैच नहीं है, ये एब्सेंट रहने लगे हैं बहुत. सही. अल्लाह अकबर. नशूज का मतलब है किसी चीज के साथ हम आहंग होना. इनकी हम आहंगी का तुम्हें हैरत हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हें बेचैनी हो रही है. अब क्या करना है? फिर बात शुरू होती है फा से. फा देन एजुहुन्ना, ये इंपेरेटिव वर्ड है, बुक मिया फेल है, वाजा से निकला है. वाजा से मतलब एजुहुन्ना का मतलब हुआ इनकी कंसल्टेशन करो, इनको सजेशंस दो, इनकी काउंसलिंग दो. मरियम क्या बात है, हम देख रहे हैं कि तुम अपना प्रोड्यूस नहीं कर रही हो, तुम काफी दिनों से क्लास में नहीं आ रही हो, तुम यूनिवर्सिटी से एब्सेंट हो जाती हो, क्या परेशानी है तुम्हारे को? इधर आओ, हम तुम्हारे को एक काउंसलर देते हैं, बैठो. क्या परेशानी है? घर पे कोई परेशानी है? पाकिस्तान में कोई परेशानी है? माली परेशानी है? क्या है हमें बताओ. डॉक्टर साहब आप ये पेशेंट सही नहीं देख रहे हैं, क्या हो गया है? आप 5,000 मील दूर आए हुए, घर याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? बैठे हम आपका मसला हल करते हैं, बताएं हमको. काउंसलिंग शुरू हो गई. वीक ग्रुप में ये होगा, पोटेंशियल उनके कम है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर आप उनको देखते हो कि वो अपने प्लान्स के साथ अटैच नहीं है, डिसहार्मोनस हो रहे हैं, और आपको परेशानी हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, अब तक तो इतना अच्छा बच्चा था, सालेहात था, कानितात था, हाफिजात था, आप क्या करोगे? आप उसकी काउंसलिंग करोगे, बिठाओगे उसको और पूछोगे वजह बताओ. ठीक है. नेक्स्ट, वाजुरुहुन्ना फिल मजाजे. हजरा का मतलब होता है अलग कर देना, फेले अमरे, इन्हें अलग कर दो. एंड और डिसकंटिन्यू होता है, किसी चीज से इन्हें सेपरेट कर दो. फी होता है, फी का मतलब होता है इन, इन मजाजे. अब सरफराज इस सर मजाजे का तर्जुमा ये कहते हैं बेड्स, बिस्तर. तो ये अल मजाजे है, ये तो मुझे कोई खास बिस्तर लगता है. अल मजाजे बर्मा टीक का होगा. अच्छा ये बताइए सरफराज, किंग बेड है या क्वीन बेड है? ये चारपाई है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है. अल मजाजे है, ये खास किस्म की चारपाई है. नहीं, इसमें तो, इसमें तो तर्जुमे से लगता है कि बैड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट गोना फ्लाई. कितनी 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 अच्छी बात कही आपने कि बैड होना जरूरी है, जमीन पे नहीं सो रहे हैं. हाँ, जमीन वालों के लिए ये पिटाई का चक्कर नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. बैड होना, चारपाई पे सोना जरूरी है. मैं, हम क्यों ऐसे मजाक बना रहे हैं अल्लाह की, क्या कर रहे हैं, है ना? मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं? क्योंकि आपने क्या क्या लिख दिया मेरे मेरे अल्लाह के कलाम के अंदर. जजा फिल अमर, अरबी में मैंने कहा जजा फिल अमर. जजा कहते हैं लिथार्जी, स्लगिशनेस, लेजीनेस, इंडोलेंस, सुस्तरवी को, सुस्ती को. जजा फिल अमर,
वो अपने कामों में सुस्त रो हो गया, वो अपने जजमेंट में, अपने ओपिनियंस में वीक हो गया। ठीक है, इसका इन्होंने तर्जुमा कर दिया, बिस्तर अलग कर दो। एक साहब पता क्या कहते हैं, ये दूसरे साहब हैं, वो भी इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, वो कहते हैं दिस इज अ मेंटल टॉर्चर, गिव मेंटल टॉर्चर टू द वुमेन, टेल हर टू गो एंड स्लीप इन अदर बेडरूम, जाओ बच्चों के कमरे में सो जाओ, सर्वेंट क्वार्टर में सो। और खुद नहीं वैसे जाना, वैसे उसको भेज, उसका बिस्तर अलग कर, उसका बिस्तर अलग कर, तू जाके बाहर दालान में सो, तुझे मच्छर काटे या सर्दियों में तू दालान में सो, बाहर बरामदे में सो, क्योंकि उसको अंदेशा है कि वो जो है ना वो हो जाएगी क्या था रिबेल कर देगी, उनको अंदेशा है इसलिए वो सारे। सरफराज मैं देखिए मेरे हाथ देखिए, मैं हाथ जोड़कर मैं अब जो एक बात बोलने वाला हूं, मैं आपसे पहले से इस बात की माफी मांगू, मेरे अल्लाह सुबहाना ताला को पता ही नहीं था, आलिमुल गैब व शहादा को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की 70% आबादी एक बेडरूम के घर में सोती है। गुर्बत का वो आलम है, स्लम्स बस्तियां, एक एक कमरों के मकान में पूरी पूरी फैमिली सो रही है, वही खा रही है, वही ड्राइंग रूम है, वही बेडरूम है, साथ में एक किचन है, साथ में एक है। मेरे अल्लाह को पता ही नहीं था कि वो बिस्तर कैसे अलग करेगा। मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें एक मुहिम चलानी चाहिए, सबके घर में एक एक बेडरूम एक्स्ट्रा बना दें कि अगर उनको इस आयत पर अमल करना पड़ जाए तो कम से कम दूसरा कमरा तो हो। मेरा ड्राइवर अपने आपको, अगर अंकल उन्होंने चार शादियां की हों तो फिर चार डिफरेंट बेडरूम होंगे ना एक वक्त में चारों को अलग करोगे या फिर सब पे अंदेशा ना ही करें, फिर यही बेहतर है, एक पर अंदेशा कर लें ये बेहतर है। मैं आपको अपने ड्राइवर, अपने आपको अपने ड्राइवर की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मेरा ड्राइवर मेरे पास काम करता है, पठान था वो, कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हो गए हैं, मैं और मेरी बीवी एक कमरे के कमरे में हैं, मुझे मेरी थोड़ी माली मदद करो, मैं एक कमरा ऊपर बना लूं ताकि बच्चे ऊपर चले जाएं, हम नीचे हो जाएं, कभी मेहमान आ जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं। मैंने फौरन उसको पैसे निकाल के दिए कि तू घर बना ले। पता है क्यों? मैंने दिल में सोचा या अल्लाह अगर इसका इसकी बीवी के साथ नशूज हो गया तो ये बीवी को कहां सुलाएगा। इस तर्जुमे के मुताबिक इसको तो पड़ोसी के घर में जाके सुलाना पड़ेगा उसको। अल्लाह अल्लाह, देखें कैसे कैसे वसवसे दिलों में आते हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इस बात की। ये जो आयत है ना, ये डॉक्टर इकबाल और सरफराज के लिए आई है। डॉक्टर इकबाल का ऑस्ट्रेलिया में मकान पता है कितने बेडरूम है? 4। रहते कितने लोग हैं? डॉक्टर इकबाल और उनकी जौजा। अब इन दोनों का आपस में नशूज हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, बेगम नेक्स्ट बेडरूम 3 और खाली पड़े हुए। सरफराज के पास 4 बेडरूम है, मेरे पास 4 बेडरूम है। ये एक इलीट क्लास की बात हो रही है, जिसके पास नेक्स्ट बेडरूम है, अगला बिस्तर है, मिनिमम 2 बेड का घर है उसके पास। तो 1 बेड वाले जो हैं वो नहीं कर सकते, ये उनपे अप्लाई नहीं होता। कैसे कैसे होगा बेचारों का? अकॉर्डिंग टू द तर्जुमा, अकॉर्डिंग टू द तर्जुमा, वह जरू हुन्ना फिल मजाजे, कीप देम अवे इन देयर स्लगिशनेस, उनकी कोताहियों में, उनकी सुस्त रवि में उनको दूर करो। क्या सुस्ती हो गई है, क्या कोताही हो रही है उनसे, उसको दूर करो प्लीज, उसका तदारुक करो। ठीक है, 2 बातें हो गई, फैज़ हुन्ना वाजरहुन्ना, पहले काउंसलिंग करी,
फिर उनकी जो वीकनेस थी, मिसाल के तौर पर डॉक्टर इकबाल को बच्चे याद आ रहे थे, अच्छा डॉक्टर इकबाल चले ये आप स्काइप पे बात कर लें बच्चों से, ये कर लें वो कर लें, घर याद आ रहा है, पैसे नहीं है, मसला हल कर। अब तीसरा लफ्ज आया वद्रबूहुन्ना, इसका तर्जुमा इन्होंने कह दिया मारो पिटाई करो जदो कोप करो, जदो कोप करो। अल्लाहु अकबर, मैं आपको क्या बताऊं, एक इस्लामिक अपोलॉजिस्ट हैं, अरब हैं, इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, वो इस आयत का ट्रांसलेट कर लेते। उन्होंने जेब में से अपनी एक मिसवाक निकाली और अपनी रिस्ट दिखा के कह रहे देखो इस मिसवाक से मारना है ऐसे, इज इट हर्टिंग, नो इट इज नॉट हर्टिंग बट आई एम बीटिंग क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे बैठकर ये जरब पहुंचाएंगे ना तो वो सीधा जेल में ही होंगे, तो इस वजह से उन्होंने हल्का सा मसवाक से मारने की कोशिश की है कि शायद वो उसको हर्ट भी ना करे, उसका निशान भी ना डाले और उनकी ये वाली कुरान के तर्जुमे की बात भी पूरी हो जाए। Don't cut or wound, hit them with miswak. नहीं, सबने अपने तरीके बनाए हैं मारने के, कोई मिसवाक से मारेगा, कोई डंडे से मारेगा, कोई झाड़ू से मारेगा, तरीके तो नहीं दिए ना कैसे मारना है, मतलब आपको ज़दो कोप करने का कहा। पाकिस्तान में एक किताब मिलती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप जाके उर्दू बाजार में तलाश कीजिएगा, औरत की पिटाई के तरीके। अच्छा कब मारना है, कहाँ मारना है, कितना मारना है, कैसे मारना है। अच्छा वो किताब मेरे पास रखी हुई है, पता नहीं अब हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दी हो तो अच्छा हो, वरना उसमें बाकायदा तरीके लिखे हुए हैं कि बैट कब उठाना है, पाइप कब उठाना है। अच्छा अब आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब फिर आपका तर्जुमा क्या है बद्रीबू जी जी, मैं कहूंगा इसमें मारना है, मारना है बद्रीबू उन्ना में मारना है। अच्छा जराबा के क्या मानिए, वैसे तो कुरान में जराबा बेशुमार मानू में आया है, जराबा फिल अर्द अलग है, जराबा अमसाल अलग है, बेशुमार मैं आयते नहीं लगाऊंगा, स्ट्रक ब्लो स्ट्राइक बीट स्ट्रोक, लेकिन जराबा के एक माने और भी है, उसको गौर से सुनिए, नॉक ऑफ, नॉक ऑफ। ऐसा करें आप लोग सामईन से, मैं कह रहा हूं चैट जीपीटी में जाएं, उससे लिखें गिव मी द मीनिंग ऑफ नॉक ऑफ, चैट जीपीटी आपको पता है क्या बताएगा, वो कहेगा नंबर एक फिजिकल इंपैक्ट किसी को मारना, जैसे किसी के सर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गया, नॉक ऑफ हो गया, बॉक्सिंग में ऐसा ही होता है। दूसरा वो कहता है डिसएबल और डीएक्टिवेट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉक ऑफ, किसी तौर को किसी शख्स को डीएक्टिवेट कर दो, डिसएबल कर दो, और एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो कहता है टेम्पोरेली, आरजी तौर पर किसी को गैर फाल बना दो, आरजी तौर पर उसे वो काम नहीं करने दो। मैं एग्जाम्पल देता हूं भाई, हमारी बिल्डिंग के अंदर इतना पावर आया, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी नॉक ऑफ हो गई हमेशा के लिए हो गई, टेम्पररीली। अच्छा इन्हें डिसेबल कर दो, इन्हें डीएक्टिवेट कर दो, जो काम इनको सौंपा गया है इनसे इनको हटा दो। और सुनिए एक और चैट जीपीटी इसका मानी देता है, वो कहता है एलिमिनेशन फ्रॉम कंपटीशन। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई टी20 सीरीज खेलने, नॉकआउट हो गई, अरे अच्छा घूसे पड़े उनको, डंडे पड़े उनको,
हम उर्दू में कहते हैं बड़ी मार पड़ी यार पाकिस्तान की टीम को, मार पड़ी, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मार पड़ी उनको। नहीं नहीं आप मेरी बात समझे ही नहीं, नॉक ऑफ हो गए वो, टेम्परेरीली हो गए, क्या हमेशा के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे? नहीं, इस सीरीज से नॉकआउट हो गए। ये लफ्ज टेम्परेरीली याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब क्या करेंगे आप जब आप देखेंगे कि उनमें कमजोरियां हैं, उनके अंदर डिसहार्मोनी है, आप उनकी काउंसलिंग करेंगे, आप उनकी उन कमजोरियों को दूर करेंगे, वह हजरा करेंगे, हजरा हटाएंगे उनकी कमजोरियों को, वद्रिबुहुन्ना, उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उन्हें रेस्पाइट देंगे। मरियम ऐसा करो, तुम दो हफ्ते आराम करो, गो बैक टू पाकिस्तान, जाओ अपनी अम्मी से मिलकर आ जाओ, जाओ ये अपने फाइनेंसेस दुरुस्त कर लो, दो हफ्ते के बाद आके आओ, हम तुम्हारी रीअसेसमेंट करेंगे, छोड़ दो अभी प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट यहीं छोड़ दो। बिल्कुल, मैं यही वाली एग्जांपल लेकर आपके साथ ये पूरा करने लगी थी कि जिस तरह आपने स्टार्ट किया था कि जब मैं यहाँ आई तो, और ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था कि रिजाल और निसा के, जिस तरह आपने बताया कि कुछ सुपरवाइजर्स थे और कुछ लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उस टाइम पे मैं निसा थी वहां पर, और फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम होना शुरू हो गया और मैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दे ऑब्जर्व्ड कि मैंने मेरी मतलब मेरा जो काम करने का जो एक है ना क्या कहते हैं पोटेंसी जो है या पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो चुका है, तो वो या और मैं थोड़ी क्रैंकी भी हो रही थी, उन्होंने मुझे बिठाकर मुझे मेरे सुपरवाइजर ने मुझको काउंसलर्स के पास भेजा और मैंने उन्हें बताया कि इस तरह जाहिर है मुझे अपनी फैमिली याद आ रही है और सारा, तो उन्होंने मुझे 4 वीक्स की पेड लीव पर भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ अब मिलकर आओ, और वो पेड थी लीव जो थी, और मिलकर आई मैं, और अगर उसके बाद भी मैं ठीक ना होती तो वो फिर तब था कि मुझे शायद वो टेम्परेरीली उस प्रोजेक्ट से हटा देते, लेकिन मैं चूंकि हो गई हुई थी, ठीक हो गई थी और मैंने उसको उस चीज को कवर कर लिया था, तो वो चीज वहां पर ही खत्म हो गई, यानी जो निशूस था उसके अंदर जो उनको जो महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं जा रही है, उन्होंने उसको फॉरन काउंसलिंग करने की कोशिश की और उसका सोल्यूशन निकाल के मुझे दिया, और उसके बाद भी अगर ठीक ना होते तो शायद वो ये वज्रबुहना वाली बात उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती कि टेम्परेरीली वो मुझे उस प्रोजेक्ट से अलग कर देते। तो ये चीज देखे, ये वाली पूरी एग्जाम्पल जो आपने स्टार्ट की थी, ये पूरी इस आयत के ऊपर ऐसे ही फिट आ रही है, बिल्कुल फिट हो गई। देखो माशाल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं सदकल्लाहुल अजीम, अल्लाह की तो बातें सच्ची सच्ची है। देखा मैं जो सिनेरियो बता रहा हूँ, मरियम पे फिट आ गया, मुझे नहीं मालूम था इन बातों का, मुझे नहीं मालूम था इन बातों का कि मरियम के साथ ये हुआ था और इसे पाकिस्तान भेजा गया था। I mean, it makes sense. आप देखें इस आयत को और मरियम ने जो बताई अपनी सिचुएशन, पूरी फिट होती है। तो बहुत सारे लोगों में होगी, डिफरेंट सिचुएशंस होगी, जरूरी नहीं है किसी प्रोग्राम में, कुछ और भी हो सकता है, कुछ you know, there is other problems. वैन अतानाकुम, अब आगे बात चलिए। मैंने आपसे कहा था टेम्पररी लव्स को जरूर याद रखिएगा। जी। वैन अतानाकुम फला तबगु अलैहिन्ना सबीला। अतानाकुम तौ से बना है, तौ का मतलब होता है ओबे, सबड्यू, तुम्हारी बात मानने लगे लगे, जेर हो जाए। फला वला तब अलहिन्ना सबीला, तो डोंट सीक एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर देम, उनके लिए कोई दूसरा इम्कान तलाश मत करना, उन्हें वापस उसी जॉब पर डाल देना। मरियम पाकिस्तान से आई, मरियम को वापस वो प्रोजेक्ट दे दिया। ये नहीं कहा कि मरियम डिमोट कर रहे हैं, तुम्हें प्रोमोट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ये कर रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, मरियम इज ऑल राइट, चलो वो प्रोजेक्ट दोबारा करो। टेम्पररीली आपको एक रेस्पाइट दिया उन्होंने, आपकी वीकनेसेस दूर करी, काउंसलिंग करी, पेड पैसे दिए कि जाओ, और रेस्पाइट दिया। बिल्कुल, और इसमें ये सिर्फ साबित हो रहा है कि जब वो अतात करने लगी तो इसका मतलब है कुछ ऐसा हुआ कि वो रिकवर हो गए। तो वो जो कुछ भी आपने किया था वो टेम्पररी था, टेम्पररी था और वो रिकवर हो गया। अब ये खूबसूरत अल्फाज
इन्नल्लाहा काना अलियन कबीरा। मैं हमेशा अपनी लिखाई में, अपने लेक्चर्स में एक बात कहता हूँ, खुदा के आखिरी अल्फाज जहाँ उनकी दो सिफ्त आएंगी उसको बड़े गौर से पढ़ना, वो पीछे पूरा जो कुछ कहा गया होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वरना तो फिर ये अल्लाह की एक, मैं कहता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब बनती नहीं है। और मैं इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब मानता हूं। अब इनका तर्जुमा देखो, इन्नल्लाहा काना अलियन कबीरा, हमने पढ़ा था अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज हाई, अल्लाह बड़ा और बालातर है, अल्लाह बुलंद और बालातर है, ये तर्जुमे थे। अरे भाई इतना बड़े बड़े अल्लाह, ये बुलंदतर है, बस खत्म, बुलंदतर कह के खत्म हो जाती बात। लेकिन नहीं, वो दो अल्फाज बुलंदतर बालातर, बुलंदतर बालातर, बड़ा और बुलंदतर, अरे भाई इनमें फर्क क्या हुआ? ये दो अल्फाज अल्लाह क्यों एक जैसे मुतरादिफ लेकर आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये मुतरादिफ अल्फाज नहीं है, सुने, अलियन या अलू से बना है, अलू, अंतुम आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। पहले मैं अलू के माने बताऊंगा, फिर इस आयत के माने बताऊंगा। अलू कहते हैं एसेंड, ऊपर जाने को, एलिवेट करने को, ऊपर की जानिब जाना, बुलंदी की जानिब जाना। अंतुम आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ऊपर ही की जानिब जाओगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। ठीक है, कबीर कहते हैं, कबरा से बना है, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट। अब देखिए इन दोनों आयत लफ्जों को मिला दें क्या बनता है, पता है? अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एलिवेटर, किसी को बुलंदी की तरफ ले जाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम उसके नुमाइंदे हो। उसकी दो सिफात किसी को बुलंदी की तरफ ले जाने वाली, तुम उसकी अक्कासी करो, तुम उसको हूबहू अपनाओ, अपने दायरे में, अपने अपनी ताकत के लिहाज से। अल्लाह की तो सिर्फ ये इनफाइनाइट है, लेकिन तुम भी तो ये कर सकते हो, किसी को एलिवेट कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, देखिए इस आयत में अगर आप मेल और फीमेल को निकाल देते हैं, अगर आपके माइंड में ये चीज आ जाती है तो पूरी हर चीज फिट होती चली जाती है। और दूसरा ये है कि आखिर में जो इंग्लिश में जो तर्जुमा किया है, जो अभी आप बता रहे हैं, उसमें देखिए गॉड इज मोस्ट हाई एंड सुप्रीम, वो गॉड इज मोस्ट हाई और सुप्रीम है तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें और पिटाई की बातें और ये सब चीजें कैसे करेगा? एक मैं और ऐड इसमें करना चाहूंगी सरफराज साहब की ही बात के अंदर, कि आप अगर हम इस तर्जुमे को देखें तो पहले वो पिटाई करवा रहे हैं, मतलब अल्लाह के जो, मतलब जो तर्जुमा बताया जा रहा है उसमें ये है कि अल्लाह कह रहे हैं कि पिटाई करो, पिटाई करने के बाद वो कह रहे हैं कि वो जो है ना बहुत अजीम है, अल्लाह बहुत अजीम है। सो नादिया का जो सवाल है उसके मुतालिक वो ये कि मुझे पिटाई भी होती है और उसके बाद फिर मैंने ये भी मतलब मैं ये कैसे समझ लूं कि अल्लाह जो है वो अपनी एक मखलूक को दूसरी मखलूक से पिटाई करवा रहा है और फिर उसके बाद वो आदिल भी है और वो अपने आप को कबीर भी बोल रहा है। सो बेसिकली मतलब ये वाली बात जो है वो उस बात के पिछली वाली बात पे फिट ही नहीं है ना, इन्होंने तो अल्लाह की बात में कंट्रडिक्शन दिखा दिया। वो तो कहते हैं, अल्लाह तो कहते हैं मेरी बात में इख्तिलाफ भी नहीं है, वेरिएशन भी नहीं मिलेगा भाई। असल में यहाँ पर जो है देखा है मैंने, अमेरिका में खास तौर पे हम लोग यहाँ पर हैं तो काफी जो यंग जनरेशन है जब वो शायद को देखती है इस पे क्वेश्चन करते हैं वो, और कहते हैं कि ये हाउ कम ही इज मोस्ट हाई एंड सुप्रीम एंड इज ऑनेस्ट एंड जस्टिस, जब ये इसकी बात करते हैं तो इसलिए वो फेड अप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सही नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर रिलीजन, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर यू नो, तो वो फिर आते नहीं है, दूर भागते हैं इन सब चीजों से। जो ट्रांसलेशन हुए हैं ना गलत तरीके से उसकी वजह से ये इग्नोर कर। देखें कितनी आपने अच्छी बात कही है कि ये नौजवान नस्ल जब अल्लाह ही की जुमले के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं तो वो भागते हैं उससे। बिल्कुल, अब देखिए क्या हुआ,
हुआ ये है कि जब तुम्हें तश्वीश हुई, ठीक है, तुम्हें खौफ पैदा हुआ, तुम्हें एक बेचैनी सी हुई कि इन ये इतने बेढंगे क्यों हो रहे हैं, ये इनका सुर क्यों खराब हो गया, ये बेढंगे क्यों हो गए, इनकी सुस्त रवि को दूर करना, इनकी काउंसलिंग करना और इन्हें आरजी तौर पर इस प्रोजेक्ट से हटा लेना। लेकिन वो दोबारा स्टैंडर्ड पर आ गए तो इन्हें वही असाइनमेंट दोबारा देना, बिकॉज यू वॉन्ट टू एलिवेट देम, बिकॉज यू वॉन्ट टू एलिवेट देम, एंड रिमेंबर अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एलिवेटर। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एलिवेटर। दोनों सिफात पूरे सेंटेंस पे जाके कैसे बैठी? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी किसी बीवी की पिटाई करी है, हदीस मिलती है, हालांकि बहुत कबायर जी, बहुत सारी हदीसें हैं जो उनसे मंसूब की हैं इन्होंने, वो भी गलत हैं, लेकिन इस पे तो बात ही नहीं की इन्होंने, बात ही नहीं। Exactly. हाँ, किसी कबायर साहबा से इन्होंने मंसूब कर दिया है, हजरत उमर से मंसूब कर दिया है, पता नहीं किससे और से, या हजरत उमर के पास कुछ लोग आ रहे हैं जो अपनी बीवियों की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के ऊपर ये तोहमत लगा ही नहीं सके, देखे नहीं लगा सके। आपको आपके अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी बीवी पर हाथ उठाया। साबित कर दिया ना, इन्नका लअला खल्कुन अज़ीम जी, बड़े अखलाक पे फाइज थे आप, बड़े अखलाक पे फाइज। चले अब ये देखें कि अल्लाह के रसूल ने क्या अमल किया होगा इस आयत पर, कैसे अमल किया होगा। मैं आपको फिर एक और कैनवस पे दिखाऊंगा, पिटाई का तो मामला है ही नहीं, क्योंकि उनकी बीवियां भी एक बड़े प्यारे नफूस की खवातीन थी और अल्लाह के रसूल तो थे ही आला अखलाक पर फाइज, उनसे तो ये अमल सरजद होना ही नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इस आयत पर कैसे अमल किया होगा? अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु, अल्लाह के रसूल और उनके जो साथी हैं, ये सब कौन है? रिजाल। और मक्का के रिहायशी ये कौन है? निसा। अब अल्लाह के रसूल को जब ये पैगाम मिला, उनका रिहायशी, उनके जो साहबा का एक दस्ता तैयार हुआ, वो पैगाम लेके उन कमजोर माशरे के लोगों के पास गए, तो सबसे पहले क्या किया? फ़ाएज़ुहुन्ना, उनको वाज किया, उनकी काउंसलिंग की, उनको बताया ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। दूसरा काम क्या किया? वाहजरुन्ना फिल मज़ाजे, उनकी कुछ वीकनेसेस थी, वो कुछ रसूमात में जकड़े हुए थे, उनको अल्लाह ने तो ये भी कहा कि इनके ऊपर माल खर्च करो, मौलफतुल कुलूब के लिए, इनके दिलों के इत्मीनान के लिए अपना माल खर्च करो, ये कमजोर जमात हैं, ये वीक हैं, ये मसाकीन हैं, ये जो यतामा है, ये सब काम किया, उनकी तमाम सुस्त रवैयों को उस जत्थे ने और अल्लाह के रसूल ने दूर किया। उसके बाद भी अगर वो मुखालफत पर उतर आए तो अल्लाह के रसूल ने डंडा उठाया? नहीं, अल्लाह के रसूल ने वद्रबुहुन्ना किया, उनको थोड़े दिन के लिए सेपरेट किया, नॉकआउट किया, उनसे थोड़ा सा एराज बरता, ठीक है, नहीं, दस दराजी नहीं होगी। और कुछ अरसे के बाद कुछ लोग ईमान लाना शुरू हो गए। जब ईमान ले आए, अल्लाह के रसूल ने उनसे रिवेंज लिया? नहीं लिया। तारीख तो हमें यह बताती है कि फतेह मक्का पे भी रिवेंज नहीं लिया, नहीं लिया। उनको वापस उनके काम पर, उनके प्रोजेक्ट्स पर, उनको जो जिस असाइनमेंट पे वो थे उन्हें रहने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह अली उन कबीर है और मुझे भी इनको एलिवेट करने को कहा गया है। इस सिनेरियो को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डाल दें, आप किसी पार्लियामेंट पे डाल दें, आप किसी मिनिस्ट्री पे डाल दें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे डाल दें, देखो वहां रिजाल बैठे हुए, वो जो बच्चे और वो जो स्कूल्स हैं वहां वो निसा हैं। आप देख रहे हैं स्कूल का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, बच्चे सही अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, उनकी उनकी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, उन्हें कुछ थोड़े दिन के लिए रेस्पाइट देंगे, फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओके कम ऑन लेट देम डू। इसे आप 80 गज के मकान से शुरू करें और एक मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला तक ले जाके लगा दें, यही सिनेरियो
यही तमाम काम उनका सीईओ, उनकी उनकी जो एक जो एचआर डिपार्टमेंट है वो यही करेगा, अपने एम्प्लॉयज के साथ वो यही करेंगे, अपने एम्प्लॉय को देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, क्या करेंगे जी। इसमें मैं अगर कुछ ऐड करूं अंकल मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये ठीक कह रही हूँ या नहीं। अब मैंने जो आपकी बात से समझा है वो ये है कि जो रिजाल जो पहले तर्जमे हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि रिजाल का हक है निसा पर, और यानी उन वो एक उसके ऊपर एक दारोगा के तौर पर हैं, या वो उनके ऊपर एक अपना एक रखते हैं हक रखते हैं कि वो उनके मुतालिक डिफरेंट फैसले जैसे कि उनको मार सकते हैं या उनकी दूसरी उनको सेपरेट कर सकते हैं, ये पहले तर्जमे। लेकिन आपके जो तर्जमे है उससे मुझे यूं लग रहा है कि रिजाल का के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि पहले उसने आइडेंटिफाई करना है कि निसा जो है वो इफ दे आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, तो और वो डायरेक्शन से मुराद ये कि अगर वो और ज्यादा यानी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे या ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए इधर ये कि उनको कोई काउंसलिंग दी जाए या उनके लिए उसको उनके लिए वो राहें खोली जाएं जिससे वो उस प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकें। अगर वो नहीं कर पा रहे फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर उनको थोड़े अरसे के लिए उस जगह से अलग किया जाए ताकि उनका एक एनवायरमेंट चेंज हो। यानी कि ये रिजाल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है बजाय इसके कि उसको एक एक ये हक दिया जा रहा है कि वो चीजों को जो है ना तहस नहस कर दे या पिटाई कर दे या कुछ इस तरह से, क्या मैं ये ठीक समझ रही हूँ? बिल्कुल बेटा, मैंने तो आपको वो एक आयत दिखाई थी ना कि तुम जबरदस्ती औरों के और औरतों के वारिस बन बैठी हो। अल्लाह तो मना कर रहे हैं कि तुम औरत के वारिस बन बैठे हो, दे आर योर इनहेरिटेंस, वो तुम्हारी कॉमोडिटी है। एक तरफ तो ये फरमा रहे हैं कि तुम वारिस कैसे बन बैठे, उस सवालिया पूछ रहे हैं तुम औरतों के वारिस बन बैठे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि औरतों को मारो तुम हाकिम हो। अल्लाह की बात में तजाद लाते हो आप, वेरिएशन तो बहुत छोटी चीज है, आप तो तजाद ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें जो आयत में 434 की, इसमें अरबी का क्या कोई लफ्ज है बेड्स के बारे में या बेडरूम के बारे में, कोई अरबी का कोई लफ्ज है? वो मजाजे ये लोग बेडरूम करते हैं, इसका मजाजे का जी। मजाजे मजाजे वीकनेसेस हैं, मैंने आपको बताया जजा आफिल अमर वीकनेसेस, ये मजाजे जो है इसका जजा से अजा से फिर ये मेरे ख्याल से इसमें मफूल बनेगा। अच्छा, और अगर छोटे लेवल पे देखें कैसे अप्लाई होगा? भाई एक एक मर्द अगर समझता है या एक औरत समझती है कि वो निसा है, वो रिजाल है, और वो अपने पार्टनर के अंदर कोई वीकनेस देखती है, क्या करेगी? वो उससे पूछेगी कि भाई क्या मसला है आपके साथ, क्या परेशानी है आपको, आप किस बात से परेशान है? अच्छा चलिए आपकी ये परेशानी है, चले मैं ये दूर कर देती हूँ, चले आप ऐसा करें थोड़े दिन आराम करें, आराम करें, कोई जरूरत नहीं आपको काम पे जाने की, मैं घर को देख रही हूँ या मैं घर को देख रहा हूँ, इधर बिल्कुल वो फिर थोड़े दिनों बाद रिकवर कर जाए, उसको उसी जगह पर वापस ले आओ, चलिए जी आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, माशाल्लाह आप ठीक हो गए, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, आप दवाइयां भी खाइए, आप डिप्रेशन में चले गए, चले दवाइयां खाइए और आप ठीक हो गए, टेंपरेरी नॉकआउट कर दिया, आप जाके आराम करो। एंग्जायटी डिप्रेशन किसे नहीं हो सकता है माशरे में, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और मैं देख रहा हूँ कि आप एंग्जाइटी में, आप परेशानी में, आपको नींद नहीं आ रही, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं। खास तौर पे ये एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है वो निसा को हो सकता है, इसलिए कि वो स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं और उनको ये ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो उसमें से जो भी रिजाल है वो दूसरे को अकोमोडेट करेगा उसके लिए, और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि रिजाल पहले ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो निसा ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम्स हो और वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसकी स्ट्रगल को खत्म करने के लिए आप उसको जो है ना वो थोड़ी सी मतलब उसको अकोमोडेट जिस तरह से भी कर सकते हैं वो करें। सही बात, सही बात। डॉक्टर साहब,
हाँ रिजाल ये भी हो सकता है जो जो मेंटली स्टेबल है अथॉरिटी में, बहुत सारे लोग हैं। और इससे इससे पहले की अगर आयत देखे ना 32, उसमें भी इसी तरह का है। हाँ 4:32 में यही जिक्र है कि एक बढ़तर है दूसरे से, और तुम और तो वो पूरा इसी चीज पे फिट होती ये जो है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, इसमें गलती हो जाती है कि किसी खबर का जो मुताल्लिक होता है ना वो है। सही ढूंढते नहीं है। और मैंने आज जैसे कहा ना कि फजला का जो मुताल्लिक, फद्दल अल्लाह का मुताल्लिक था अलाबाद, जी फद्दला का मुताल्लिक निसा नहीं था कि नहीं अल्लाह वो ने फजीलत दी है तुम्हें निसा पर, नहीं, अल्लाह ने फजीलत दी है तुम्हारी कुछ क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज पर। देखिए 4:32 में जो है ना उससे बड़ा अच्छा वाजे हो रहा है ये जो अभी आपने समझाया है। देखो वो जो बताया जा रहा है ना कि फद्दल्लाहु बिबादुकुम अला बाद, अल्लाह ताला ने हर इंसान की मुख्तलिफ सलाहियतें रखी, जी बास की सलाहियतें बाजों से बेहतर हैं। हम्म, मैं अपने बॉस की कितनी भी कोशिश कर लूं, वो जिस कैलिबर का इंसान था या है, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा ही वॉज अ सुपर जीनियस मैन, सुपर जीनियस मैन। अच्छा, लिर रिजालु नसीबम मिम्मा तसबू वन लिसाए नसीबम मिम्मा तसबू, ना जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं जिस तरह के वो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें वही मिलता है, लो पोटेंशियल के लोग जो परफॉर्म करेंगे वो उनको मिलता है। इसलिए आपको ये छोटे वाले को ये कभी भी दिल में नहीं लाना है कि यार मेरी सैलरी कम है या मेरी जो इनकम है वो कम है या मैं इसकी इस क्वालिटी तक नहीं पहुंच सकता, ये दिल में नहीं लाना है। अल्लाह ताला ने एक्सीलेंस रखी है हर एक की, कुछ रिजाल होंगे कुछ निसा होंगे, तभी ये माशरा भी चलेगा, तभी माशरा चलेगा। और रिजालों को फिर ड्यूटी दे दी है इस आयत में लाके कि तुम देखो ये करोगे बिल्कुल, तो डिप्रेशन 34 में भी में। नहीं जाना चाहिए ये भी बात बता दी। तो निसा को ये यहां पर तंबीह की जा रही है कि अगर वो तुमसे सलाहियतों में ज्यादा हैं, तुम्हें इस बात को जो है हसरत नहीं करनी है, ये लफ्ज है ना, हसरत, जी ततमन्नु, दोनों समझाया है इसमें बिल्कुल। ततमन्नु जो लफ्ज है, तुम्हें किसी किस्म की हसरत नहीं आनी चाहिए, हाँ नहीं तमन्ना तमन्ना नहीं करो, नहीं तुम कोशिश करो कि तुम रिजाल बन जाओ। कर। नहीं, मसला ये होता है तर्जुमे में डॉक्टर साहब, जब ये मैन एंड वेमेन कर देते हैं ना, मेल और फीमेल, जहां यहां फिर मसले खड़े हो जाते हैं तर्जुमे जो। और फिर देखो ना अल्लाह फरमा रहे हैं वसालुल्लाह मिन फदलिही, अल्लाह से एक्सीलेंस मांगो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे एक्सेल कर दे, मुझे मेरे बॉस के जैसा बना दे, मुझे मेरे प्रोफेसर के जैसा बना दे। इसकी डायग्नोसिस, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सर्जरी मुझे इस जैसा कर दे। वो रिजाल है, मैं निसा हूं, मैं रजिस्ट्रार हूं, मेरा प्रोफेसर है। ठीक है, इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह तो हर चीज का इल्म रखते हैं, तो तुम भी थोड़ा इल्म से काम लो, थोड़ी अकल से काम लो, एक्नॉलेज करो चीजों को। अलीमा जो है ये एक्नॉलेज करना है, तुम भी एक्नॉलेज करो, ये सही तमन्ना बहुत नहीं करो, इसके तमन्ना लाना ही बुरा है। हाँ और फिर जी उसके बाद, जी बोले हाँ उसके बाद 35 आती है, 35 उसके में जी। अब देखिए कि फर्ज करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अब देख रहे हो कि यार ऐसा लगता है कि मरियम इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं आएगी। तो हमेशा आप याद करें, हर हर यूनिवर्सिटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट काउंसिल भी होती है। अच्छा अगर एकेडमिक काउंसिल होती है, मरियम स्टूडेंट काउंसिल जी है, हर कंपनी में यूनियन होती है, हर कंपनी में यूनियन होती है। अगर वो एक एम्प्लॉय सही परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसकी तो उसकी शिकायत अगर वो नहीं दूर हो रही है तो आप किसको बुलाएंगे?
यूनियन वालों को बुलाएंगे, देखो भाई ऐसा लग रहा है कि ये नौकरी से जा रहा है, तो एक स्टूडेंट काउंसिल को बुलाएंगे, एक तरफ उनका लॉयर है दूसरी तरफ उनका लॉयर है, जो भी है, हाँ जो भी है, काउंसिल का उनका नुमाइंदा आएगा, एचआर डिपार्टमेंट का बंदा बैठेगा, स्टूडेंट काउंसिल का या यूनियन का एक बंदा सामने बैठेगा, दे विल डिसाइड कि करना क्या है, उसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए जाएंगे कि भाई ये इतना अच्छा परफॉर्मर था, देखो इसकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस क्या है, और उसके दरमियान एक इस्लाह की एक सूरत हाल निकालेंगे, नहीं जी ऐसा करते ये काम इसका जो है ना प्रोडक्शन में से इसको हटा के इसको क्वालिटी कंट्रोल में डाल देते, यहाँ थोड़ा काम जरा मुश्किल है, इसको क्वालिटी का दोनों की रजामंदी से हो गया, यूनियन काउंसिल यूनियन या एकेडमिक काउंसिल भी बैठी, वो भी बैठी रजामंदी से, कोई कोई सलाह की सूरत तैयार निकल आई, उसको वहां डाल दिया, और अल्लाह तो जानते हैं, अब तुम भी जानो, अलीमन खबीर है वो, तुम भी जानो, ये जितनी भी सिफात आई है अल्लाह की ये हमसे कहा जा रहा है, अल्लाह थोड़ी अपनी बर्तरी बता रहे, तुम भी जानो। अच्छा दोनों आयतों में आखिर में अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है ना, मतलब 4:34 में और 35 में, एक जगह अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है मारने पीटने का उस पर तारीफ हो रही है, फिर अगली आयत में वो कह रहा है कि भाई अपना हिस्सा करो तो कॉम्प्रोमाइज करो ये जो भी करना है उस पर अल्लाह ताला को भी ग्रेट बना दिया, तो दोनों चीजें में अल्लाह ग्रेट है, पिटाई के मामले में भी और इसमें भी। तो मतलब ये बात भी एक अजीब सी है कि doesn't make any sense how you can have, you know, even if you're like a, let's say if you're a judge, you're making a, you know, you let the murderer go, you're great, and then the other, you know, you want the murderer to be killed, you're also great. So it doesn't make any sense. अब मैं आखिर में इनका इंग्लिश और उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ, एक रवां तर्जुमा कर देता हूँ, यहां से मैंने मर्द और औरत हटा कर जब बात कहीं और से शुरू करी, बात आखिर तक शुरू से आखिर तक कुछ और चली, अगली आयत तक भी बताई मैंने वहां भी यही बात थी, उससे बाद वाली आयत भी बताई वहां पर भी यही बात थी, रिजाल और निसा ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं। English mein, the distinguished are the supporting structures for the less potential ones because Allah has given them an excellence distinguishing him from his other qualities and because they disperse whatever belongs to them. So those who are devoted, keeping themselves safe from harm, from among those high moral standard ones, for when they show frequent absence without good reason, whatever has told them has been told to them for safekeeping, so from those you feel uneasy in their harmony, then counsel them, end their sluggishness, knock them off temporarily, give them a respite, but if they subdue, then don't seek any other possibility for them, be reminded that Allah is the greatest elevator. अब उर्दू में, बावसूख लोग माशरे के निगरान होते हैं उनके जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, क्योंकि अल्लाह ने जो उन्हें सलाहियतें दी हैं उनमें से एक सलाहियत पर उन्हें कमाल हासिल होता है, क्योंकि वो उसको तकसीम करते हैं जो सिर्फ उनका होता है, तो वो जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया अपने आप को नुकसानात से बचाते हैं बड़े आला इखलाकी मयार वाले हैं, बगैर किसी वजह के वो गैर मुतवज्जह हो जाएं उससे जिसे अल्लाह ने उन्हें बताया था हिफाजत करने को, ऐसे लोगों के बारे में अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है कि वो हम आहंग नहीं है, तो उन्हें मशवरे और हिदायतें दो, कोशिश करके उनकी सुस्त रवि को खत्म कर दो और आर्जी तौर पर उन्हें गैर फाल बना दो, फिर अगर वो जेर हो जाएं, बात को मानने लगें, तो उनके लिए कोई दूसरा इम्कान तलाश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही किसी को बुलंदी की तरफ ले जाने वाली सबसे बड़ी जात है। कहीं मार पिटाई, नादिया को बोलो भाई अल्लाह सुबहाना ताला ने मार पिटाई की बात ही नहीं करी है,
ये कुछ लोगों ने अल्लाह के मुंह में अपने अल्फाज डाले, अल्लाह के मुंह में अपने अल्फाज डाले। हाँ, ये आपने जो है ना बहुत जबरदस्त आपकी वो है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे हमारा जो माशरा है पाकिस्तान में खास तौर पे, वहाँ पर बहुत सारे घरों में ये चीजें हुई हैं और घर बर्बाद हो गए इसी वजह से कि वो जाते हैं अपने स्कॉलर्स के पास, वो कहते हैं हाँ भाई इसमें तो सब चीजें जायज हैं तो ये तो हो सकता है, तो वो औरत की जो पोजीशन है बहुत ही वीक कर दी गई है हमारे माशरे में, बड़ा अफसोस हुआ। जो भी है लेकिन अल्लाह के नाम पे तो नहीं लगाओ ना कि अल्लाह ने कहा। बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन है कि अल्लाह से मंसूब कर दिया, अल्लाह से मंसूब। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। तस्मीनिया में एक किसी के घर पर बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ने तो औरत को मारने का हुक्म दिया है, तो आपको पता है वो खातून क्या कहती हैं? अब देखिए खातूनों को किस तरह से इंडॉक्ट्रिनेटेड किया हुआ। तो खातून मुझे कहती हैं, इकबाल भाई तो क्या हुआ अगर अल्लाह ने हुक्म दिया तो शौहर मार सकता है। वो देखिए जरा कितने वो हो गए ना, हो गए दे मार सकता, कैसे इंडॉक्ट्रिनेट किया हुआ है हम लोगों को कि वो बेचारी खातून वो कह रही है कि हाँ फिर अल्लाह का अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर ठीक है फिर मार सकता है। वो तो फिर अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है ना, मतलब अल्लाह का अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो अल्लाह के ऊपर ये चीजें लगा देते हैं, अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह अदल भी नहीं करेगा। मरियम आपने की है कभी किसी से गुफ्तगु इस पर? मैंने यहाँ पर तो नहीं की लेकिन मैंने पाकिस्तान में की है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो चार शादियों वाली बात पे बहुत ज्यादा वहाँ पे हाँ कोई बात नहीं, और मतलब ख्वातीन ये कहती हैं कि हाँ कोई बात नहीं उसका हक है, अल्लाह ने उसको ये कहा है कर सकते हैं वो। और दूसरी ये मार पिटाई वाली बात भी मेरी एक जानने वाली थी, वो मार खा के आती थी और मतलब पिटाई होती थी उनकी और अच्छे खासी नील वगैरह पड़े होते थे उनको। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप क्यों आप इस तरह से, और वो जो खाने पकाने वाला चम्मच होता है उससे उसकी पिटाई होती थी, लकड़ी का जो चम्मच होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो कोई तरीका नहीं है, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं हस्बैंड है ना तो मार सकता है। तो मैंने कहा बस ठीक है अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग के अंदर वहां पे कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज डाली गई होती है, और शायद हमारे बहुत सारे ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हो कि नहीं जी हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन असल बात यह है कि इनमें से ये जो सारी नादिया की जो स्टोरी है उसमें से हर घर में एक ना एक चीज जरूर हुई होती है, सब ना होता हो लेकिन कोई कुछ ना कुछ एक ना एक चीज जरूर है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। सब कुछ नहीं हो रहा होता है लेकिन एक चीज जरूर हो रही है इन घरानों में। और फिर जैसे ये भी बड़ा कंफ्यूजन यानी कहना चाहिए कि गलत समझा जाता है औरत की साइड से कि अगर आदमी जो है वो पजेसिव है भाई, वो डिमांड है उसकी, तो वो सब उसको मोहब्बत समझ के सब कबूल कर ये है भाई, वो तो ये चाहता है। पाबंदी है जो है उसकी मोहब्बत है, उसका मार भी है वो भी उसकी मोहब्बत है। मोहब्बत है। मैं कुर्बान जाऊं इस मोहब्बत पर। अच्छा जी कंक्लूड करते हैं सरफराज जी। जी मैंने ये तर्जुमा किया, मैंने आपको तमाम बातें एक एक अल्फाज सुनाए, ये टोटल मेरा फहम है जिसे मैं इस आयत को इसी तरीके से समझा, इसी तरीके से इसको मैं अप्लाई करते हुए देखता हूँ। इसकी मैं एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई कि आप छोटे से इदारे से लेके बड़ी हुकूमत तक इस आयत को ले जाके फिट कर देंगे जहाँ रिजाल और निसा डिफाइन होंगे पहले से। सही। अगर किसी शख्स को मेरी ये फहम मेरी ये बात पसंद नहीं आती है तो मैं उससे माजरत करता हूं, आपको नहीं समझ आती मैं माजरत करता हूं, ठीक है, और आप वही कीजिए जो अल्लाह सुबहान ताला ने लिखा है, उठाइए डंडा और कीजिए अपने बेटे की पिटाई बीवी की पिटाई। इस जमन में मैं आपको एक और भी बात बताऊं,
एक साहब से मेरी बहस हो रही थी, तो मैंने जब ये कहा कि ये नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने कुरान में तहरीफ कर दी, ये तो लिखा हुआ है। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने मुझे बड़े अजीब अजीब अल्फाज कहे। तो मैंने उनको रिप्लाई में जो जुमला कहा, मैंने कहा सर आप लगता है मुझे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, कि आपकी वालदा आपके वालिद से पिटती हो और आप भी अपनी बीवी को मारते हो, और अगर कभी आपका आपकी बेटी घर पर आपके पिट के आए और उसके चेहरे पे हाथों पे निशाने, तो अपने दामाद का माथे पे बोसा लीजिएगा कि आज तूने अल्लाह की आयत पर अमल कर दिया। वो बात उनको इतनी बुरी लगी, कहने के डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा अपने गिरेबान में डाल के इसको प्लीज देखो, तुम्हें ये बात बुरी लगी। फौरन वो अपनी बात से मुनरिफ हो गए। आपने मेरी आंख खोल दी। मैंने कहा अपनी बेटी को जब पिटता हुआ देखेंगे ना, तो दामाद को गले लगाइएगा। क्या बात कह दिया आपने, शुक्र के वो समझ गए। लॉजिकल बड़ी बात थी, उन्होंने फौरन फौरन अपनी बात से इनकार किया कि ये तो आप मेरे घर में बात आ गई डॉक्टर साहब। और क्या नहीं, सबके घर में हो सकता है, किसी के भी घर में, इसमें चलेंगे तर्जुमों में, ये चीजें तो हर जगह होती रहेंगी इसी तरह। जब तक जो नहीं एग्री करता, जो नहीं एग्री करता मैं क्या करूं उसको, वो वही करे जो लिखा हुआ है, जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, इसरार साहब ने लिखा है, मौदूदी साहब, वही करे। के लिए नहीं करेंगे जो अगर नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरों की बेटियों को करेंगे। वो ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं और फिर भी करते हैं, और जब अपनी बेटी की बात, वो तो वो शुक्र है कि वो मान गए आपने जिनसे बात की, वरना ऐसे ऐसे इग्नोरेंट हैं जो उसको भी कहेंगे कि सही। बहुत नहीं, आपने बड़ा अच्छी बड़ी रिसर्च की है, एंड आल्सो थैंक यू फॉर मरियम जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे सवाल करती है मरियम। हम तो चाहते हैं कि कोई और दूसरा हमसे कॉन्टेक्ट करे, अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर इकबाल की रिसर्च सही नहीं है, वो कोई कमी बेशी रह गई है और बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए, प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको लेके आएंगे। ओपन इन्विटेशन है, आए, लेकिन होगा लेकिन सिर्फ कुरान के बेसिस पे। आप कुरान की आयतें दिखाएंगे और प्रूफ करेंगे कि भाई कुरान में एक्चुअली है इस तरह का, जैसे बिस्तर की बात हुई है, मारने पीटने की तर्जुमे हुए हुए हैं, ये सब चीजें अगर आप समझते हैं वैलिड है, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको लेके आएंगे, ऑफर करते हैं, आप कभी कांटेक्ट करें हमसे। अगेन डॉक्टर साहब की रिसर्च है, डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि मैं मतलब यू आर नॉट द लास्ट वन, मे बी देयर इज सम बेटर पर्सन हु कैन कम एंड गिव बेटर इंटरप्रिटेशन, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कि कुरान पे होना चाहिए, नहीं कि वो दूसरी चीजों से, कुरान से हट के आप फिर बताएं कि भाई ऐसा है, वहां से हिस्ट्री से मिला है, और ये चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हमारे इस चैनल पे। अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मरियम जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मरियम, थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे, अस्सलाम वालेकुम।